हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रैग स्टडी। तो फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैग स्टडी पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास जो लेकर आए हैं साइंस का PYQ सॉल्व करेंगे। डेली हर साल का पहला सीरीज के तीनों सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि लगभग 10 साल के एग्जामिनेशन के पहले पहले 10 साल के लगभग सारे पेपर हम लोग सॉल्व कर दें। और सॉल्व करने का मेन पर्पज ये होगा कि आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, और क्वेश्चन के साथ साथ हम CBSE जिस तरह का आंसर मांगता है उस तरह का सटीक और एक प्रॉपर आंसर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हाँ कैसे आंसर लिखा जाता है और CBSE कैसा आंसर मांगता है। तो जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, विजिबिलिटी बेटे कैसी है? विजिबिलिटी कैसी है और वॉइस जा रही है? हाँ, गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग। आनंद, जैद, वंश अग्रवाल, श्रेयांश, कृपांशु, रवि, राम रक्षा, सबको गुड इवनिंग। देखिए, अगर PYQ सॉल्व करने का जो मेन पर्पस है वो ये कि अगर आप 10 साल का PYQ सॉल्व कर लेते हैं, आप एक शब्द पूरे साल ना देखे हो, अगर आप 10 साल का PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान लें कि आपका 80% क्लियर हो जाता है। तो आप सभी बिना एक भी क्लास मिस किए हुए डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे और जो भी सेट सॉल्व कराया जाएगा आप उसको सॉल्व करेंगे। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। 10 से 12 दिन में आपका लगभग 80% कवर कर देगा ये। विशाल सर, हट गया। ओके, विजिबिलिटी बच्चे क्लियर है? हाँ, विनती त्रिपाठी, जय सिंह, सबको गुड इवनिंग। वीडियो शेयर करें, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहां शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सके, जुड़ सके और हम क्लास को स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आइए। चलिए, तब तक हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बट फिलहाल एक बार देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। फिर हाँ, वीडियो शेयर करें बच्चे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास से जुड़ सके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि विनय सर ने बताया कि हम लोग PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं, PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात कर लें कि क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियरली देखिए मेंशन किया गया है, पेपर एग्जैक्ट पेपर है ये। ऐसा नहीं है कि हमने आपके लिए कोई PDF बनाया, ऐसा कुछ, कोई एडिटिंग, कोई कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है। सिर्फ 2 पॉइंट जो पेपर में आता है एग्जैक्ट वही है। एक सेकेंड, फिर से आ गया बेटे, इसी चक्कर में हम थोड़ा सा परेशान थे, बट ये हट जाएगा, स्विच हट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपके 39 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। सभी क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी है। ओके, जो ये पेपर रहेगा आपका ये 5 सेक्शन में होगा, A B C D और E। क्लियर है? सेक्शन ए जो आपका होगा
वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। कितने 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बेसिकली क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, केस स्टडी भी समटाइम ऑब्जेक्टिव में दे देता है, बट पहले ऐसा आता था, इस बार तो पैटर्न खैर चेंज कर दिया गया। सेक्शन बी जो आपका है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी वन वर्ड आंसर टाइप का आपका रहेगा। क्लियर है, वो 21 से 26 तक। ओके, और ये 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का होगा। इसको 30 to 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, टू द पॉइंट। अगर आप सही कीवर्ड यूज करके लिखेंगे तो आपको आंसर पूरे मिलेंगे। 30 और 50 को पकड़ करके बहुत ज़्यादा नहीं चलना है। अभी आप देख भी लेंगे कि किस तरीके से CBSE आंसर प्रोवाइड करता है। ओके, सेक्शन सी जो आपका है वो है शॉर्ट आंसर टाइप। जाहिर सी बात, शॉर्ट आंसर मतलब 50 to 80 वर्ड्स का, और ये आपका 3 नंबर का होगा। क्लियर है, याद रखना 27 to 33, यानी 34 से 36 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और ये 5 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन डी की बात कर रहे हैं हम लोग, और लॉन्ग आंसर में कम से कम आपको 80 to 120 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, या फिगर बना करके आंसर लिखेंगे तो फिगर देंगे तो आपको आंसर कम लिखना पड़ेगा ना, वर्ड कम लिखना पड़ेगा, याद रखना। तो अभी आपको ये चीज सिखाया जाएगा। लास्ट सेक्शन ई है। सेक्शन ई क्या है, 37 to 39, यानी 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, 4 मार्क्स ईच, और ये केस स्टडी बेस होगा। ये क्या होगा, केस स्टडी बेस क्वेश्चन इसमें रहेगा, यानी एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। ओके, तो आई होप आपको पेपर पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग समय न गंवाते हुए सीधा पेपर पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कोई भी इंटरनल च्वाइसेस रहेगा आपको तो वो दिया जाएगा, उसको आपको आगे नहीं खोजना है। सॉरी, एक सेकेंड। तो पेपर आपका जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो हम लोग इंग्लिश इंग्लिश देखेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। पहला ही क्वेश्चन है आपका, क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हम सिर्फ सॉल्व करते चलेंगे, जो सही आंसर होगा वो आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स, द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रिएक्शन जिसमें सोडियम कार्बोनेट है और इस सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया Na2CO3 और इसमें HCl मिलाया, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। क्या बना, वाटर बना। अब वो ये नहीं दे रहा है कि कौन सी गैस निकल रही, बट आपको समझना है कि जब कोई कार्बोनेट एसिड सा रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और जिसको वो दे रहा है कि एक्स सॉल्यूशन, और वो उसका नाम दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास किया जा रहा है। ये देखिए, एक्स इज द एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसने नाम दे दिया कि ये जो एक्स सॉल्यूशन है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये सॉल्यूशन, ये जो गैस निकल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ये पास किया जाएगा किसमें, एक्स जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो वो दे रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन आपके पास है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिल्की टर्न होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, लेकिन कलरलेस हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से नहीं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से ये कलरलेस होगा। तो ये पहला तो गया, गलत हुआ। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, मिल्की में टर्न होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एंड ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन से पास करेंगे तो कलरलेस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं, करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये एक डायग्रामेटिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है और कह रहा है कि एक ब्राउन फ्यूम, एक ब्राउन धुआं निकल रहा है, फ्यूम्स निकल रहा है। अब वो ये दे रहा है कि ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 twice,
कर क्या रहे हैं आप? बर्नर से भैया हीट कर रहे हैं आप इसको, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन आप डेल्टा बना दें। तो हमने बताया कि थर्मल डिकम्बोशन रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? और ऑक्सीजन निकलेगी। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलेगा, ये क्या है? यही ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये लेड मोनोऑक्साइड है जो कि येलो कलर का होगा। तो अब आप देखें, हीट की वजह से ये एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। तो पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जवाब मिल गया होगा। और ऑप्शन अगर आप देखना चाहें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ये भी गलत। ऑक्सीडेशन, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है लेड नाइट्रेट का, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। सो आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा रिएक्शन, ये भी केमिस्ट्री का है तो देख लेते हैं। बैलेंसिंग है, मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाया हुआ है। यहां पर एक्स के जगह आप फोर, एक्स की वैल्यू फोर, वाई की वैल्यू टू और जेड की वैल्यू वन रख के देखें और रिएक्शन बैलेंस। अब आप ऑप्शन खोजें कि फोर टू वन किस ऑप्शन में है, ये रहा सी, करेक्ट ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच। ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है, पीएच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है और नेचर भी दिया हुआ है एसिड बेस का, कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिड है कि बेस है, पीएच कितना है, इसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब वो ये दे रखा है कि लेमन जूस जिसका पीएच पेपर पर जो कलर आता है ऑरेंज आता है, फिर वो दे रहा है कि इसका अप्रोक्सीमेट पीएच 3, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ये देख रहे हैं, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड नेचर ऑफ फोर डिफरेंट सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। इस टेबल में कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो देख लेते हैं। आप लोग जवाब देते रहेंगे, अगर आपको पता है तो आप देखकर जवाब देते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे बच्चे। देख लेते हैं, लेमन जूस कह रहा है कि पीएच पेपर पर ऑरेंज कलर होता है और अप्रोक्सीमेट पीएच 3 और दे रहा है बेसिक नेचर, यही गलत हो गया। लेमन जूस अगर पीएच 3 हो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और भैया लेमन जूस तो हम लोग खाते हैं, अगर 3 पीएच किसी सब्सटेंस का पीएच 3 हो आप खा लो जल जाएगा टंग। पहला यहां गलत, दूसरा यहां दे रहा है कि बेसिक, ये भी गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू, पीएच पे कलर जो देता है ब्लू देता है, अप्रोक्सीमेट पीएच 10 और बेसिक इन नेचर, एकदम करेक्ट ऑप्शन यही है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी आप देखेंगे सब गलत मिलेगा। गैस्ट्रिक जूस रेड सही बात है, रेड कलर देगा पीएच पेपर पर, लेकिन कह रहा है अप्रोक्सीमेट पीएच 6 नहीं, गैस्ट्रिक जूस का अप्रोक्सीमेट पीएच 1 से 3 तक होता है, तो यहां यह गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन बी। सो आगे बढ़ते हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन सर छूटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन वॉशिंग सोडा है, तो आप बताएंगे कि कौन वॉशिंग सोडा है, जल्दी बताइए। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड एबीसी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तीन डायग्राम आपको दिए हुए हैं और इनमें से कह रहा है कि इन तीनों डायग्राम को देखकर करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। सो देखते हैं, ओके, क्या दे रहा है? ए एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। अच्छा ठीक है, बी तो बेंजीन है, बी बेंजीन है, सही बात है, बी बेंजीन है, लेकिन इसने जो कह दिया कि ए और सी आइसोमर हैं, ये गलत हो गया क्योंकि ए और सी आइसोमर नहीं है। आइसोमर में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, आप अपने मन से डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, और इन दोनों में देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बदल गई है, इसमें सिंगल बॉन्ड, ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड हो गया, इसमें डबल बॉन्ड। पहला ऑप्शन गलत,
ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन एंड सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन. फिर ए हेक्सेन का आइसोमर, बी बेंजीन और सी एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन. ये भी गलत ऑप्शन है. तीसरा ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी, क्योंकि ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. क्योंकि अगर कोई हाइड्रोकार्बन रिंग में हो तो आप बताएंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, और ये भी अनसैचुरेटेड और ये भी, क्योंकि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड होगा. अब क्योंकि रिंग में था तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुआ. नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट इज. ऐसा तो सिर्फ फंजाई करता है. सो ऑप्शन आप खोजेंगे क्या, फंजाई. फंगस ही बॉडी के बाहर मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है देन उसको यूज करता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी. आगे बढ़ते हैं, करेक्ट ऑप्शन डी. सो नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट. अब आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, स्टेटमेंट पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन चुनें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. देखिए क्वेश्चन, अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दें, ऐसे मजा नहीं आएगा. वन वे अगर चलता रहेगा तो फिर नहीं. अगर आपको पता है तो आप रिप्लाई करें. देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट. कौन गलत है, सही नहीं है. तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर्स एज इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. सही बात है, एनिमल किस तरह का फूड खाता है इसके बेसिस पे उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ डिफर करता है. जैसे हर्बीवोर के स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कार्निवोर से ज्यादा होता है. सो ये बात तो सही निकला. अब वो कह रहा है क्या, विच इज नॉट करेक्ट, वो सही चुनना है जो करेक्ट ना हो. तो ये सही हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी सही बात है, गलत स्टेटमेंट ये भी नहीं है. तो ये भी ऑप्शन चला गया. द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है. लेकिन वो पूछ क्या रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी गया. द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ये ऑप्शन आपका सही, क्योंकि वाटर मिनरल लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्ब होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो जीन के बारे में करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है. तो आप देख लेते हैं, इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम. इन इंडिविजुअल, किसी दिए हुए स्पीसीज के इंडिविजुअल में जो जीन होता है, जो स्पेसिफिक जीन होता है, वो कहां प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है. देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, अ जीन इज नॉट द, करेक्टली आपको बताना है, अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल. फिर सी, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ. All the inherited traits in human beings are not controlled by the gene. The statement that correctly describes the characteristics of the gene. तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, परफेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही. क्योंकि प्रोटीन सेल में कौन सी प्रोटीन बनेगी, या प्रोटीन बनने के लिए ऑर्डर कौन करता है, जीन ऑर्डर करता है. लेकिन इसने दिया क्या है, नॉट लगा दिया, तो यह चला गया. Each gene, each chromosome has only one gene. नहीं, कह रहा है कि हर एक क्रोमोजोम के पास सिर्फ एक जीन होता है, ऐसा नहीं है. यह भी गलत बात, गलत हो गया स्टेटमेंट. All the inherited traits in human beings are not controlled by the gene. यहां पर भी नॉट लगा दी, क्योंकि ह्यूमन में या किसी भी एनिमल में सारे characteristics जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. तो यह भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही हुआ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे. देखिए आप डिफरेंस स्टेटमेंट को डिफर करते हैं कि भाई ये हमने गलत कहा, बी सी और डी को गलत कहा, तो क्यों गलत कहा, क्योंकि किसी क्रोमोजोम में सिर्फ एक जीन नहीं होता.
क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ द जीन. जीन से मिलकर डीएनए बनता है और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बनता है. सो न्यूमरस नंबर ऑफ जीन आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम. सो आपको याद रखना है ये बात. नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट. प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट का करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है. तो आइए देख लेते हैं कि अब आपको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है. नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट जो किसी स्टिमुलस के द्वारा डिटरमाइन किया जाए उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. तो आप देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन. इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर. सेकेंड ऑप्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली रिसीव्ड. इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट एंड नॉट इन स्टेम. फिर कह रहा है, इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर करते हैं. हाँ, फिर फोर्थ ऑप्शन वो दे रहा है कि इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? क्या ट्रॉपिक मूवमेंट सिर्फ टच और टेम्परेचर की वजह से होता है? और टच की वजह से जो मूवमेंट होता है क्या वो ट्रॉपिक मूवमेंट है? ये ऑप्शन गलत हुआ. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. नहीं, ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. सो ये भी गलत. इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट एंड नॉट इन स्टेम. ये भी गलत हुआ क्योंकि रूट हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट है. इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट एकदम करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट. प्लांट और उसके वेजिटेटिव पार्ट के बारे में इनकरेक्ट मैच को आपको बताना है. सो ब्रायोफाइलम लीफ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ब्रायोफाइलम लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है. पोटैटो ट्यूबर, वो जो पोटैटो आप खाते हो वो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम ट्यूबर है. ये भी सही, ये भी सही. मनी प्लांट स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, ये भी सही बात है. रोज रूट के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, नहीं स्टेम के द्वारा करता है, ये गलत हो गया. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपका सही ऑप्शन क्या है? दिस इज द डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फिजिक्स क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया तो विश्वास कर लेते हैं. हाँ, गुड, जय आदित्य रवि तिवारी, गुड. बहुत सारे लोग एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं और ये अच्छी बात है. जल्दी जल्दी वीडियो को भी शेयर करते रहें आप लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ. अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है बट इसके बाद जब थ्योरेटिकल चलने लगेगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. खैर, क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है क्योंकि, ठीक है. देखिए, इफ फोर आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ एट ओम, क्या दिया? आइडेंटिकल रजिस्टर जो दिए हैं वो कितने का है? एट ओम का. और कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं? फोर हैं. बोला गया फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो चलो सीरीज में अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? एन आर, यानी 4 × 8, ये आ गया 32. कितना आ गया? 32 सीरीज में. फिर बोला सीरीज एस सो गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल. तो भाई पैरेलल में अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई एन होता है. तो 8 ओम का रजिस्टर 4 नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर जो कि कितने के हैं? 8 ओम के हैं. पैरेलल में होगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा. क्या बोला? आर एस बाई आर पी. क्या बोला? आर एस अपॉन में आर पी. आर एस की वैल्यू कितनी है? 32. आर पी की 2. कितना आया? 16. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी गुड. रवि तिवारी, जय सिंह, एकदम करेक्ट आंसर आया. जय सिंह, आदित्य, ओके, गुड गुड, वेरी गुड. चलिए 14 का क्या कहानी है, खूब ध्यान से समझ लीजिए. क्लास में भी इसके बारे में बात हुई है. तो ये लीस्ट काउंट निकालना है हमें. क्या निकालना है? इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल शोज ऑन द स्केल ऑफ वोल्टमीटर द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर एंड रीडिंग शोज बाई इट रिस्पेक्टिवली आर. ये क्या है, इसको अच्छे से बताना है आपको कि लीस्ट काउंट पहले इसका निकालना पड़ेगा. ध्यान से देखिए, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे. जैसे अगर कोई स्केल हो,
सेंटीमीटर स्केल, जो आपकी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है, उसमें अगर देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 10 ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स। तो फॉर्मूला क्या बना, मेन स्केल जो आपका है, मेन स्केल, और मेन स्केल को कितने नंबर ऑफ डिवीजन में, नंबर ऑफ डिवीजन में तोड़ा गया है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में तोड़ा गया है, बस ये मेन फार्मूला है सीधा सीधा। तो देखिए 0 से लेकर के 1.5, देखो पहले 0 रीडिंग दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 1.5, यानी मेन स्केल हमारा कितना है 1.5 का। इस 1.5 को कितने बराबर भागों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बराबर भागों में बटा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 सेकेंड भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ 0.15 वोल्ट इसका क्या निकल जाएगा, लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो 0.15 तो आ गया, यानी ए और सी में ही करेक्ट हो सकता है, ये दोनों तो गलत ही हो गए। ओके, फिर बोला रीडिंग क्या है, रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग का लेते हैं हम मेन स्केल, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट, ऐसे समझिए। तो जो पहले वाली स्केल होगी वही पढ़ेंगे। तो आपकी एरो यहाँ पे है, तो एरो के जस्ट पहले कौन रीडिंग है 1.5, तो 1.5 आपकी मेन स्केल हो गई। लीस्ट काउंट कितना है, 1, 2, लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 1, 2, तो 2 इंटू 0.15, तो 1.50 प्लस 0.30 ये आ गया 1.80। तो आई थिंक ये आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे, किसी कोई कंफ्यूजन तुरंत बोल दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही होगी, आपको ये लग रहा होगा कि आपको इंपॉर्टेंट है या नहीं है, थोड़ा टाइम वेस्ट जैसा लग रहा होगा, तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए और क्लास में बने रहिए, क्योंकि आपकी ये अगले एक घंटे बहुत ही बहुत कुछ मायने रखेंगे। क्लियर है, ये आपके लिए एग्ज़ाम में क्या है, ये आपको एग्ज़ाम में ही पता चल सकता है। इसको हम कितना भी बताएं, कितना भी आपको समझा दें, कितना भी कहें इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा बच्चे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ 10 दिन ये दे दोगे ना, 10 दिन में आप बहुत कुछ बन जाओगे। सो अगला क्वेश्चन क्या है, द रिजल्ट एंड मैग्नीट्यूड। देखो सीधा सीधा है, इतना पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, कि दो लाइन है ऐसे पैरेलल लाइन है, इनके बीच का अगर बोले मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वही पूछा है इसमें, हॉरिजॉन्टल रखा है, कैरेट कितना, इस पी पॉइंट पर पूछा, तो इस पी पॉइंट पर आंसर होगा आपका 0। कितना लिखना है, 0। ठीक है, पढ़ी दे रहा हूँ, द रिजल्ट एंड मैग्नीट्यूड फील्ड एट पी, पी पर मैग्नीट्यूड फील्ड बताना है कितना है, पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीटेड है। इसके पहले ये वाला जो क्वेश्चन आया था आपका, ये दो के दोनों क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हैं। एक सेकेंड, 14 नंबर हम लोग शायद स्किप कर गए। ओके, देख लीजिए 14 नंबर स्किप हो गया हम लोगों से, ध्यान से देखिए 14 नंबर क्या है, ये 13 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, डिट्टो यही रिपीट होता है, कभी आरएस बाई आरपी दे देगा तो कभी आरपी बाई आरएस दे देगा, ध्यान देना। दिया है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हुज हैव, भाई जाहिर सी बात है 15 एम्पियर करंट अगर किसी को ले जाना है, करंट अगर 15 एम्पियर ले जाना है, इसका मतलब जो आपका अप्लायंस होगा वो बहुत ज्यादा पावर वाला होगा, मतलब 1000 के ऊपर वाला, 1000 वॉट के ऊपर वाला। तो ये कौन होता है देख लेते हैं, दिया है हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, हाँ हो सकता है, फैन बिल्कुल नहीं हो सकता, लो पावर बात ही खत्म, लो पावर तो बात ही खत्म, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, गीजर। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बेटे, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिजिक्स का मैं कर दे रहा हूँ, बाकी विनय सर आपको करके बताएंगे। इसमें देखिए दिया क्या है फिजिक्स में, कि द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, देखिए मैं एक बार और जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको, सॉरी हाँ बहुत अच्छे से दिखे, देखिए ध्यान से क्या दिया है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सही बात है भाई, कि अगर एक ऐसे कैसे सर्कुलर टर्न्स है, इसमें हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसके सेंटर पर
ऐसे देखिए, ये ऐसे ऐसे इसी पर ऐसे बढ़ाते चले जा रहे हैं ना, बहुत सारे टर्न्स कर दिए, तो इसके सेंटर पर फील्ड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो अगर इस तरीके से बोल रहा है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि भाई ए आपका सही है। दूसरा क्या दिया है, द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। एकदम सही बात है, एकदम सेम डायरेक्शन होगा, दैट्स वाई इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एकदम एडअप हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी। इसका मतलब आर भी सही है और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी में जो दिया रहेगा वही आपका क्या होगा, सही है। देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, इट मीन्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, एकदम सही होगा। ओके, बाकी विनय सर आपको केमिस्ट्री और बायो का ये जो है इसको बता रहे हैं। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं बच्चे, चलो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ओके डन, चलिए आपको एसर्शन और रीजन करने का तरीका बताते हैं कि एसर्शन रीजन करेंगे कैसे। एसर्शन रीजन करने का बहुत आराम और बहुत आसान तरीका है, पहले आप एसर्शन पढ़ें। चलो एसर्शन पढ़ लेते हैं और ये फाइंड आउट करें कि एसर्शन ट्रू है या फॉल्स है, मतलब एसर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो लिख दें ट्रू और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो लिख दें फॉल्स। फिर उसके बाद आ जाएं रीजन में, रीजन को पढ़ें, रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बस इतनी बात बतानी है आपको। अगर सही है तो लिख दें उसके सामने ट्रू और गलत है तो लिख दें फॉल्स। अब तीसरा स्टेप, अगर रीजन और एसर्शन दोनों स्टेटमेंट सही है तो तीसरी बात आपको ध्यान ये देनी है कि क्या वो रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको ये ऑप्शन खोजना है कि एसर्शन इज ट्रू, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। लेकिन अगर एसर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आपको यह ऑप्शन खोजना है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। क्या कहा मैंने, तीन बातें आपको याद रखनी है बच्चे, बहुत ध्यान से assertion पढ़ना है। अगर assertion में statement सही दिया है तो आप लिख दें true, गलत दिया है तो आप लिख दें false। reason पढ़ें, अगर reason में statement सही दिया है तो लिख दें true, गलत दिया है तो लिख दें false। आओ करके देखते हैं assertion, the color of aqueous solution of copper sulfate turned colorless when a piece of lead is added to it। अगर कॉपर सल्फेट में लेड को आप ऐड कर दें CuSO4 में, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर मिला हुआ है, क्या कह रहा है, लेड को आप ऐड करें तो कह रहा है कि क्या, कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ लेड एडेड टू इट। अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में लेड को ऐड कर देंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब आपको ये पता लगाना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो बताएं लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, इतनी बात पहले हमको बता दें, आपको जवाब मिल जाएगा लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कि कम रिएक्टिव, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। ओके भैया सही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट सही दिया है। आओ देखते हैं रीजन, देखते हैं, लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से लेड कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा तो लेड सल्फेट बना देगा और कॉपर सल्फेट का कलर चला जाएगा। दोनों बातें सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कह रहा है कि आप कॉपर सल्फेट में जो मैंने कहा था ना एसर्शन पहले पढ़े और ध्यान दे कि क्या वो सही है
स्टेटमेंट की गलत है, तो हाँ सही है स्टेटमेंट, कॉपर सल्फेट में आप लेड डालेंगे तो लेड कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर रीजन भी दे रहा है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये कॉपर सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। एकदम सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 18। एसर्शन, फिर वही बात, एसर्शन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्या स्टेटमेंट सही है गलत। अब मैं सीधी बात करूंगा, जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, बताइए सही है या गलत है। रीजन, एक्स क्रोमोजोम इन मेल चाइल्ड्स इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर। एक्स क्रोमोजोम इन मेल, जो मेल है ये बेबी को कह रहा है कि ये ऑफस्प्रिंग है, और फादर से कौन सा क्रोमोजोम ऑफस्प्रिंग में आने पर ये मेल हो जाएगा। अगर फादर का एक्स आएगा तो फीमेल, और अगर फादर का वाई आ जाए तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत, लेकिन ये स्टेटमेंट सही। तो आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बताया कि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मैंने देखा नहीं था, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट देखा कि कौन सी गलत है, सिर्फ उसके बेसिस बताया, एकदम सही निकला। आओ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 बचा हुआ है। फिर वही बात, एसर्शन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि एसर्शन जो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग होती क्यों है, अगर कहीं इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट इसलिए होता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ब्लड जो लॉस हो रहा है वो ना होने पाए। तो एकदम करेक्ट ये स्टेटमेंट दे रहा है। ये हमने कहा ना, एसर्शन पढ़े और स्टेटमेंट को देखें कि उसमें स्टेटमेंट जो दिया सही कि गलत, तो स्टेटमेंट एकदम सही है। रीजन देख लेते, अगर रीजन में स्टेटमेंट सही होगा तो मैं तीसरी बात पे पहुंचूंगा कि अब ये देखूंगा क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। भैया ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा की वजह से तो होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल की वजह से नहीं होता। ये गलत दे दिया, ए ट्रू बट आर फॉल्स, देखते हैं सी ऑप्शन सही, ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कर ही चुके हैं, सो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अ कंपाउंड, सीधी बात करते हैं, अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। एक कंपाउंड एक्स है जो जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है, और जिप्सम का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो जिप्सम से एक कंपाउंड एक्स बनाया जा रहा है, हैज प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, और इस एक्स के पास हार्डनिंग की प्रॉपर्टी है, कब, वाटर मिक्स करने पर। तो बताएं, आइडेंटिफाई द एक्स, पीओपी है, क्या है, पीओपी है, एक्स इज द पीओपी, क्योंकि पीओपी ही जिप्सम से बनाया जाता है जिसमें वाटर डालने पे हार्डनिंग होने की, हार्ड होने की प्रॉपर्टी है। स्टेट द, तो पहला आपका ये जवाब मिल गया कि एक्स पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इनटू हाफ H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। सेकेंड, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में केमिकल डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। तो दोनों बातें देख लेते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, सर बेकिंग सोडा है NaHCO3, और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड वीक एसिड, मतलब क्या, NaHCO3 जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं, प्लस और क्या है, कोई भी वीक एसिड, माइल्ड एडिबल, खाने वाला एडिबल वीक एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड, क्या, टार्टरिक एसिड। सो दोनों का आप बता देंगे, सिर्फ इसका बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला और बेकिंग पाउडर का ये आपको लिखना है। सो जवाब मिल गया, एग्जैक्ट आपको आंसर कैसे देना है ये देखें, टू द पॉइंट,
ये देखें एक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाहे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दें या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिख दें। फिर दूसरा वो पूछा था फॉर्मूला क्या है इसका, केमिकल फॉर्मूला, तो CaSO4H2O ये उसका। फिर पूछा था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो ये देखें NaHCO3 इसका फॉर्मूला, जिसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला उसने पूछा था, तो आपको क्या लिखना है, इट इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यही तो मैंने लिखा था, और क्या, प्लस टार्टरिक एसिड या कोई भी माइल्ड एडिबल वीक एसिड, कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड, चाहे वो टार्टरिक एसिड ले लो, चाहे वो सिट्रिक एसिड ले लो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बचा हुआ है इसका बी वाला पार्ट, और करके ऑप्शन में दिया हुआ ये कि या तो आप ये करें या तो आप ये करें। सो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट CuSO4 को अगर आप हीट करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल है ये, क्या है, क्रिस्टल है, सो क्या बनेगा, तो सीधा हीट कर देते हैं वहां पे, देखिए लिखने में बहुत टाइम हो रहा है, ये देखें आप डिहाइड्रेशन होगा, हीट करेंगे तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा तो क्या होगा, इट विल लॉस इट्स कलर, ये अपने कलर को क्या कर देगा, लॉस देगा और कलरलेस हो जाएगा। ये मैंने हजारों बार आपको बताया हुआ है कि अगर आप क्रिस्टल को हीट करेंगे तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। ये देखिए कॉपर सल्फेट के पास 5 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 मॉलिक्यूल वाटर, जो आप हीट करेंगे तो ये वाटर क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, निकल जाएगा, बचेगा क्या, कॉपर सल्फेट, इट विल लॉस इट्स कलर। अगर आप ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोनों बातें ठीक है जो कि उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, यही पूछा था, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का रोल आपको लिखना है कि राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, राइट द रोल, अगर इंसुलिन का ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में क्या रोल है, और मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास, पैंक्रियास सिक्रेट करता है, और इंसुलिन जैसे हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर जाता है। सो एज द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज इन आवर ब्लड, देन सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज्ड, व्हिच डिक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड, तुरंत वो ब्लड शुगर लेवल को क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर देगा। और अगर शुगर लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो डायबिटीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायबिटीज। हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड, हमारे ब्लड में इंसुलिन की टाइमिंग और अमाउंट कैसे रेगुलेट होता है, तो आपको एक लाइन में जस्टिफाई करना है, एज द शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीज्ड द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन आल्सो इंक्रीज्ड, विच ब्रेक डाउन या विच डिक्रीज द शुगर लेवल इन आवर ब्लड, जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा वैसे ही इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और इंसुलिन का सिक्रेशन जैसे ज्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और जब शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा सो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन आल्सो डिक्रीज। देखिए आप लिखा है, ये लिखा हुआ है लोअर ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन का काम वही है शुगर लेवल को कम करना, अगर शुगर इंक्रीज कर जाता है तो डायबिटीज डिजीज हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, और मैंने कहा था कि इंसुलिन की टाइमिंग और अमाउंट कैसे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, तो द राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड में जैसे शुगर लेवल बढ़ता है तो मैंने आपको बताया ना इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, और जैसे इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होगा ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड, ये आपको करेक्ट दो लाइन लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23, बताएंगे नेम द टाइप ऑफ ब्लड
oxygenated or deoxygenated. Name the type of blood transported by each of the following. Mention the path from one organ to another organ. ये देख रहा है कि path किस तरह का blood ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कहां से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये आपको बताना है. तो आपको दिया है वेना कैवा. वेना कैवा, वेना कैवा क्या करता है? वेना कैवा आपके बॉडी ऑर्गन से या बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लाता है? हार्ट में लेकर आता है. सो आप ये देख लें, दिया होगा ये वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से लाता है? बॉडी टिश्यू से या बॉडी ऑर्गन से, हार्ट में लेकर आएगा. फिर दिया था पल्मोनरी आर्टरी. तो मैंने आपको बता रखा है पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स. कहां लेकर आता है? हार्ट से लंग्स में लेकर आता है. और हार्ट के किस चैम्बर से? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर आएगा. ये बातें आपको याद रखनी है. देखिए हार्ट से लंग, लेकिन हार्ट से, हार्ट के किस चैम्बर से? राइट वेंट्रिकल से लेकर जाएगा कहां? लंग्स में लेकर जाएगा. और मैंने एक और आपको बात बताई थी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है कहां से? लंग्स से लेकर आएगा. कहां? एट्रियम में लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम. ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी बता दिया. विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या ग्लूकोज इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी. आपको फ्लो चार्ट से ये दिखाना है कि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपको फ्लो चार्ट से दिखाना है. तो आप दिखा देते हैं, बहुत आसान है. इसका ये गिर गया जरा सर कैप. अब दोनों कंडीशन वो दे रहा है, क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी. स्कीमेटिक फ्लो चार्ट से, फ्लो चार्ट से सेल के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को दिखाएं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी. तो करना क्या है, ग्लूकोज आप लेंगे, ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में. मैंने आपको बता रखा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलिसिस होता है. ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, मैंने आपको बता रखा है. ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है. सो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा और कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा. ये भी बात आपको याद रखना है. फिर पाइरुविक एसिड बनेगा, फिर पाइरुविक एसिड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी. दिस इज द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंस होता है तो क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में फिर से ग्लाइकोलिसिस होगा. ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में. तो पाइरुवेट इसमें भी बनेगा. ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, आपके दिमाग में नॉक करना चाहिए. और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है साहब. ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा साइटोप्लाज्म में, तो बनेगा क्या? पाइरुविक एसिड. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है एनिमल सेल में तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल से लिखना है आपको. तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और 2 ATP एनर्जी निकलेगी. कितनी साहब? 2 ATP एनर्जी निकलेगी. और ये जो लैक्टिक एसिड बनाना, यही कॉज करेगा क्या? मसल्स क्रैम्प कॉज करेगा. क्या कॉज करेगा? मसल्स क्रैम्प. इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज है ये, याद रखना इस बात को. दोनों क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं. नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो बताएं नेफ्रॉन कहां? किडनी में होता है पहला पार्ट. देखिए क्वेश्चन की स्प्लिटिंग, ये किडनी में ये दिया हुआ है. कहां? किडनी. नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन हिज किडनी एंड इट इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन को किडनी की यूनिट कहा जाता है. हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. फिर अब नेफ्रॉन बना कैसे होता है? नेफ्रॉन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. किसमें? ग्लोमेरुलस. क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा ना, तो आप बता दो ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल. एक एक शब्द, एक एक लाइन तीनों को बताना है. ग्लोमेरुलस इज द बंडल ऑफ ब्लड वेसल विच हेल्प इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. इट इज प्रेजेंट इन द बोमैन कैप्सूल. बोमैन कैप्सूल इज कप लाइक स्ट्रक्चर. बोमैन कैप्सूल क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे ग्लोमेरुलस जिसमें प्रेजेंट होता है. बोमैन कैप्सूल एक्सटेंड टू फॉर्म ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. अब ये बोमैन कैप्सूल एक्सटेंड होगा, फैलेगा, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे ट्यूब्यूल कहते हैं.
in tubule. Reabsorption of food material takes place. Selective reabsorption of food material takes place. ये देखिए लिखा है cluster of thin walled capillary, जिसे आप glomerulus कहते हैं, ये कहां present होता है? Cup shaped Bowman capsule में present होता है. फिर यही Bowman capsule, this further extend to form tubular structure called which in the collective duct. मतलब वो tubular structure tubule बना और ये in case में होगा collective duct. आप तो nephron का structure ऐसे ही प्रॉपर वे में लिखना है. हाँ, स्ट्रक्चर आप इसमें डायग्राम बना दें, और तो डायग्राम हमने आपको बनाना सिखाया था, बहुत आसान डायग्राम बनाएंगे आप. इस तरह कप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे. क्या बना देंगे? कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इसे. और ये बोमैन कैप्सूल रहा आपका. इसमें आप इस तरह ग्लोमेरुलस दिखा दें, ग्लोमेरुलस दिखा दें. ये बोमैन कैप्सूल है और ये जो जा रहा है ये ट्यूब्यूल है, और यहां से ये जो निकल रहा है, कलर चेंज कर लें, तो ये जो निकल रहा ये इसको आगे चलकर इस तरह रैप करेगा. इसको आप कहेंगे लूप ऑफ फिनले. यही लूप ऑफ हेनले. और ये जाकर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से मिल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, या तो आप इस तरह ही बनाते हैं. अब काम क्या है इस नेफ्रॉन का? पहला काम है इट रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. अब पहला काम तो यही बता दे कि नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करता है. दूसरा काम, फूड मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन करता है. तीसरा, आप बता सकते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रखता है, बॉडी के अंदर मिनरल्स को मात्रा को कांस्टेंट रखता है. बॉडी के अंदर अगर आप पानी ज्यादा पी लेते हैं तो एक्सेस वाटर ही निकाल देगा, जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है उतना ही वाटर ये फिल्टर करके ब्लड में मिक्स करेगा. सो एक्सेस अमाउंट ऑफ कोई भी चीज होगा ये उसे बाहर निकाल देगा. ऑस्मो रेगुलेशन में बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने में मदद करता है. कोई भी दो आप लिख सकते हैं. हाँ तो बच्चों देखिए, इसमें आ गया है एक फिजिक्स का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एकदम टिपिकल 10th क्लास अगर हम बोले तो ये क्वेश्चन होते हैं. प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्रिज्म पे हम लोग जानते ही हैं क्या दिया है. फिलहाल देख लेते हैं. अ नैरो बीम एक्स वाई वाइट लाइट, ध्यान देना वाइट लाइट, पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ए बी सी शोज इन द डायग्राम. अच्छा बोला क्या है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन पी क्यू. इस पी क्यू ये हमारी क्या है, स्क्रीन है. क्या है? स्क्रीन है. इस स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा उसको ध्यान से देख लेते हैं. इस स्क्रीन पे मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, ये लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी. ठीक है, सबको याद आ ही रहा होगा. और एक ये लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी. यहां से हम लिखना चालू करेंगे विबग्योर. क्या लिखना चालू करेंगे? विबग्योर. यहां पे हो क्या रहा है, डिस्पर्सन. याद आया, व्हाइट लाइट रे को जब हम लोग प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराते, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जब जाएगी तो क्या करती है, व्हाइट लाइट रे को 7 कंपोनेंट्स में तोड़ देती है, जिसको हम लोग पढ़ते क्या है, विबग्योर. विबग्योर तो पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, वी और आर ऐसे करके दिखा दीजिए, आपका एकदम करेक्ट आंसर है. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बगल में आप ऐसे करके आप दिखा सकते हैं. विबग्योर क्या है, वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पूरा नाम भी लिख दीजिएगा. ओके, दिया नेम द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज. बोला कि इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं. ओके, देख लीजिए इसका आंसर अगर लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए. देखिए इसमें सातों बनाया है, क्लियर. तो ऐसा बनाने में कभी कभी क्या कर देते हैं आप लोग, गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा. हालांकि इसमें भी गड़बड़ ही बना है, ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ये इसी के नीचे ही जाएगा. नहीं ठीक है, एक सेकेंड, ये बुला लेते हैं इनको पास में. हाँ ये देखिए, लाइट का पाथ ऐसे है, क्लियर.
तो ये नॉर्मल की ओर झुकेगा, और सही बात है अगर नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल ऐसे अगर नॉर्मल की ओर झुकेगा तो एकदम करेक्ट रे पाथ है, तो विप की ओर ये लिखा गया। तो आप केवल वी और आर को शो करते हैं तो भी अंडरस्टूड है किसके बीच का ये आई बी जी ओ यहाँ पे होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट रे हो रही है। क्या हो रही है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट रे। कॉज क्या है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, अलग अलग कलर की लाइट रे अलग अलग एंगल से मुड़ती है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, या डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर जो बुक में पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, वेवलेंथ। क्या पढ़ते हैं, वेवलेंथ। तो हर कलर की अपनी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो आपको याद भी होगा कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, वेवलेंथ रेंज होती है। इसको हम लोग लिखते हैं 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये वेवलेंथ रेंज है, ये रेड के लिए है और ये वायलेट के लिए है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, इस रेंज को याद रखिएगा तो काफी दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, अगला क्वेश्चन इसी में जो है ध्यान से देखिए, इसी का सेकंड पार्ट दिया है और करके, इसी से रिलेटेड क्या दिया है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विथ एज। एज के साथ क्या होती है, दूर के देखने की क्षमता और पास के देखने की क्षमता दोनों ही खराब हो जाती है या धीरे धीरे कम होने लगती है। बोला कि इसका ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका रीजन बताइए और नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आई सच एज कंडीशन, कि ऐसे एज बढ़ने के साथ साथ ये जो आदमी के अंदर ये जो आ रहा है डिफेक्ट इसको क्या कहते हैं, इसको बताएं। उसके बाद क्या बोला, ड्रा लेवल डायग्राम, इसको एक लेवल डायग्राम के थ्रू बताएं और इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा वो भी बताएं। तो सिंपल सा जाहिर सी बात है, जिसको दूर का भी ना दिखे पास का भी ना दिखे विद द एज प्रेसबायोपिया, आप लोग को याद होना चाहिए, सबको ही याद होगा। चलिए देख लीजिए भाई क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है आपका, एक सेकेंड पहले कलर ले लेते हैं। इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जब, ये देखिए ध्यान से, ह्यूमन आई में ये आई लेंस जो होता है ये सिलेरी मसल्स पे टिका होता है। तो जब ये सिलेरी मसल्स, क्या सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, एक लाइन में अगर बोलना हो तो हम कहेंगे कि सर ये कर्वेचर ऑफ द लेंस जो होता है, आई लेंस होता है, उसको चेंज करता है, यानी फोकल लेंथ को बढ़ाता या घटाता है, इसी की सहायता से हम आई की शेप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब सिलेरी मसल्स अगर वीक हो गया तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी फोकल लेंथ इतनी थी तो इतनी ही रहेगी, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, क्लियर है कि नहीं, ये इसको रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स के कारण से ये हो जाता है क्या, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड ही करती है सिलेरी मसल्स पर, दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पे सिलेरी मसल्स की जो, एक सेकेंड, हाँ, सिलेरी मसल्स की जो पावर है वो चली गई तो ह्यूमन आई की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। प्रेस बायोपिया, मैंने पहले ही बताया आपसे कि ये कौन सा भाई दोष है, अगर इंसान को पास की भी चीजें नहीं दिख रही, दूर की भी चीजें नहीं दिख रही हैं तो ये किस में होता है, एज के साथ इंसान में आ जाता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण से उसमें जो दोष आता है उसकी आंख में जो डिफेक्ट आता है उसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। दो तरीके की स्पेलिंग इसकी लिखी जाती है तो कंफ्यूज मत होना, या इसे प्रेस बायोपिया प्लस मायोपिया भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही चीजें एकदम सही है। इसको दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, दो तरीके का लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स लेंस, या डायग्राम बना करके दिखा दे तो डायग्राम में क्या, एक चश्मा ऐसे बनाए, भाई चश्मा ही तो लगाते हैं उसी सहायता से तो देखता है आदमी, तो ऐसे एक पार्टीशन कर देना, ऊपर कॉनकेव लिख दिया डिस्टेंट विजन के लिए और नीचे कॉन्वेक्स लिख दिया किसके लिए, नियर विजन के लिए। ओके, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब, अगर आप जो हमारा बताने का पर्पज है, पढ़ाया तो सारा ही कुछ जाता है लेकिन बताने का यहां पे पर्पज ये है कि आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट कितना क्या लिखना है। ओके, तो ये दिखाने का और इससे बताने का तरीका यही है
कि इस पर किस तरीके से नंबर स्प्लिटेड है, ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपको आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी मदद होगी। ओके, अगला विनय सर, एक सेकंड, यही है क्वेश्चन, हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। तो देखिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी फूड चेन में जो हार्मफुल केमिकल होता है वो कैसे अक्यूमुलेट होता है। तो हमने आपको बता रखा है कि व्हेन वी स्प्रे हार्मफुल केमिकल इन द क्रॉप, देन दिस हार्मफुल केमिकल मिक्स इन द सॉइल एंड नाउ वाटर एब्जॉर्ब दैट हार्मफुल केमिकल अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल एंड स्टोर इट इन द फूड। नाउ दैट प्लांट इज ईटन बाय द एनिमल एंड दैट केमिकल इंटर्ड इन द फूड चेन। अगर कोई केमिकल आप क्रॉप पर स्प्रे करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड या फर्टिलाइजर ही हम खेतों में डालते हैं, तो क्या होगा, अब वो हार्मफुल केमिकल सॉइल में मिक्स करेगा। सॉइल में जब मिक्स करेगा तो प्लांट वाटर और मिनरल सॉइल से ही तो एब्जॉर्ब करते हैं रूट की मदद से। जब वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर मिनरल के साथ साथ वो केमिकल भी एब्जॉर्ब करेंगे। अब क्योंकि ये केमिकल प्लांट डिग्रेड नहीं कर सकते, ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, सो दैट केमिकल इज स्टोर्ड इन द फूड। अब वो क्या करेंगे, उस केमिकल को अपने फूड में, अपनी बॉडी में स्टोर कर देंगे। अब उन प्लांट को जैसे ही कोई एनिमल खाएगा या जैसे ही हम खाते हैं गेहूं चावल राय, तो जब कोई एनिमल उस प्लांट को खाएगा तो वह अब केमिकल उसके एनिमल की बॉडी में चला गया। इस तरह वो हार्मफुल केमिकल फूड चैन में इंटर कर गया। इन दिस वे दिस हार्मफुल केमिकल accumulated at each successive trophic level and this process is called biomagnification। आप explain कैसे करोगे, आप सीधा ये देखो लिखा हुआ है जो मैंने आपको explain किया, the chemical is sprayed on the crop are mixed in the soil, from soil it is absorbed by the plant along with water and mineral। अब soil से वो water absorb कर लिया जाएगा, so प्लांट आर, अब वो प्लांट कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल, इन दिस वे दिस केमिकल इंटर इन अ फूड चैन। दीज केमिकल्स कैन नॉट बी डिग्रेड, अब इस केमिकल को डिग्रेड नहीं कर सकते हम, दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज केमिकल अक्यूमुलेट एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। आप तो अपनी लैंग्वेज में सीधी बात बताना कि हार्मफुल केमिकल जैसे हम प्लांट में या क्रॉप पे स्प्रे करते हैं तो वो सॉइल में मिक्स करेगा, सॉइल से फ्रॉम सॉइल वाटर इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर मिनरल, वाटर मिनरल साथ एब्जॉर्ब कर जाएगा। नाउ प्लांट स्टोर दिस केमिकल इन द फूड, नाउ प्लांट इज ईटन बाय द एनिमल, इन दिस वे दिस हार्मफुल केमिकल इंटर इन द फूड चैन। दिस हार्मफुल केमिकल कैन नॉट बी डिग्रेडेबल, कैन नॉट बी डिग्रेड, सो they accumulate in successive trophic level and this process is called biomagnification। आगे reducing agent देखते हैं तो सीधी बात करते हैं इसमें। अब मैं सीधी बात बताता हूं क्योंकि oxidation reduction आपको मैं बता चुका हूं, तो सीधी बात करता हूं। इस पहले reaction में क्या पहचानना है आपको, कह रहा है reducing agent पहचानना है। reducing agent यहां पे अमोनिया, NH3 is the reducing agent। इस second में वाटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करें। जब आप ऑक्सीडेशन पता करेंगे तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां पर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पर ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। सो आपको याद रखना है चारों ऑप्शन, आपको बताना है अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और चौथे में हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन द टर्म ऑफ गेन ऑफ और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीजन के गेन और लॉस के बेसिस पर डिफाइन करना है। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, लेकिन आज ने तरीका बदल दिया, इसने कहा कि रेडॉक्स रिएक्शन को आप डिफाइन करें ऑक्सीजन के गेन और लॉस के बेसिस पे। तो आप क्या बताएंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो या ऑक्सीजन लॉस हो साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन
एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. एक लेम डिफाइन क्या करेंगे? द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स साइमल्टेनियसली. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लिया जाए या ऑक्सीजन दिया जाए, लूज किया जाए, दोनों एक साथ हो जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. सो एक लाइन में आपको डिफाइन करना है. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर ईच टू काउंटेक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग इन फॉलोइंग केसेस. प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन. इंडाइजेशन के समय, मतलब वो क्या कर रहा है? रेमेडियल, एक उपचार लेना है पीएच को बदलने के लिए. ह्यूमन में अगर पीएच बदल जाता है तो क्या आप ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या आप रेमेडियल मेजर लेंगे? तो पहला वो दे रहा है कि अगर हमारे पेट में, हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड निकल जाए, ज्यादा एक्सेसिव सीक्रेशन, तो क्या करेंगे? एंटासिड यूज करेंगे. क्या लेंगे? एंटासिड, एंटासिड या बेकिंग सोडा. ये क्या करेगा? बेसिक इन नेचर होता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर क्या दे देगा? रिलीफ दे देगा. फिर दूसरा कह रहा है स्टंग बाई हनी बी या नेटिव लीव्स. अगर मधुमक्खी स्टिंग कर जाए, डंक मार दे, स्टिंग कर दे, या नेटिल लीफ, वो नेटिल एक प्लांट होता है, उसकी लीफ में एसिड होता है, तो अगर वो आपको स्टिंग कर जाए, धंस जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर हनी बी या नेटिल लीफ स्टंग कर दे तो आप क्या करेंगे? बेस रब करें, कोई बेसिक सब्सटेंस ले, चाहे आप बेकिंग सोडा ले लें, डॉग प्लांट ले लें, रब द बेकिंग सोडा और डॉग प्लांट, है ना, बेकिंग सोडा, ये भी तो, ये भी तो बेसिक नेचर होता है. बेकिंग सोडा या डॉग प्लांट को क्या करना है आपको? रब करेंगे, और जब इसको रब करेंगे तो क्योंकि ये दोनों ही हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जलने लगता है, तो तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा बेस एसिड को और रिलीफ मिल जाएगा. तो आप क्या वो बता देंगे क्या इसका सीधा आंसर? रब द डॉग प्लांट और बेकिंग सोडा. यहाँ पे आप ये भी बता सकते थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो एंटासिड होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, तो कुछ भी अगर लिख दें गलत नहीं होगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख दें, या एंटासिड लिख दें, या बेकिंग सोडा, कुछ भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6. ताजा दूध, फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है? 6. विल इट चेंज इन टू कर्ड? Will its pH increase or decrease? Why? एक fresh milk का pH 6 होता है, अगर ये curd में बदलता है तो इसका pH decrease करेगा, ये increase करेगा, तो pH decrease करेगा. क्यों? क्योंकि curd acidic nature होता है, lactic acid बनेगा उसमें, तो जब acidic nature होगा तो pH क्या होगा? 6 से और नीचे गिर जाएगा. So आप क्या बताएंगे? pH will decrease. pH क्या कर जाएगा? और decrease कर जाएगा, 6 से नीचे चला आएगा, due to the formation of lactic acid. किस वजह से? lactic acid बनने की वजह से, एसिडिक नेचर होने की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी का सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रोल है? तो पहला पॉइंट ही आप बता देंगे, क्या बताएंगे? पहला पॉइंट आप बताएंगे, इट इज एनर्जी करेंसी विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन. इसी एक लाइन में आपको जवाब खत्म करना है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी करेंसी विच प्रोवाइड एनर्जी या विच इज यूज एज अ एनर्जी फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन या ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल. पहला इसका जवाब. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन तो आपको इसको बता देना है. व्हाट इंश्योर सफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैस इन द प्लांट. प्लांट में सफिशियंट एक्सचेंज के लिए क्या जरूरी होता है, क्या इंश्योर करता है सफिशियंट एक्सचेंजिंग ऑफ गैस के लिए? तो पहला स्टोमेटा, चल रहा है स्टोमेटा, याद रखना है. प्लांट में सफिशियंट गैस एक्सचेंजिंग के लिए स्टोमेटा, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, सो उतना ज्यादा गैस एक्सचेंजिंग होगा. स्टेम, क्योंकि स्टेम में भी लेंटिसेल होता है, तो लेंटिसेल से भी गैसेस एक्सचेंजिंग होती है. रूट, रूट से, रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी गैसेस एक्सचेंजिंग करते हैं. क्या करते हैं? गैस एक्सचेंजिंग करते हैं. और क्या हो सकता है? What ensure, इस क्वेश्चन को तो आप बता दिए, व्हाट इंश्योर द सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस इन द प्लांट. प्लांट में सफिशिएंट गैसेस एक्सचेंजिंग के लिए
क्या क्या जरूरी है तो आप स्टोमेटा, सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, स्टेम, रूट, दीज ऑल हेल्प इन द सफिशियंट एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस. अब स्टेट द कंडीशन ऑन विच डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन प्लांट डिपेंड ऑन. कह रहा है कि स्टेट द कंडीशन, वो कंडीशन बताएं जिनमें जिस वो कंडीशन बताएं जिस कंडीशन में, जिस कंडीशन पर प्लांट में गैसियस एक्सचेंजिंग का डायरेक्शन डिपेंड करता हो. द प्लांट पे जो गैसियस एक्सचेंजिंग होती है उसका डायरेक्शन किस कंडीशन पे डिपेंड करता है. तो पहला एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि गैसियस एक्सचेंजिंग का डायरेक्शन किधर होगा. और एनवायरमेंटल कंडीशन में भी क्या क्या, एनवायरमेंटल कंडीशन में भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन की रेट, उतना ज्यादा स्टोमेटा ओपन होगा, उतना ज्यादा गैसेस एक्सचेंजिंग. और क्या, विंड वेलोसिटी, क्या विंड वेलोसिटी, और क्या ह्यूमिडिटी, क्या ह्यूमिडिटी, और क्या सरफेस एरिया ऑफ द लीफ. एनवायरमेंटल कंडीशन आप याद रखेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि प्लांट पे गैसेस एक्सचेंजिंग का डायरेक्शन किधर होगा. फिर दूसरा आता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. अगर प्लांट को जरूरत होगा तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत नहीं है तो कार्बन से नहीं लेगा. सो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट की रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करेगा कि डिफ्यूजन किस तरफ होगा. ये दोनों बातें आपको याद रखनी है. फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल. तो प्लांट पे जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व की जाती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है, और एनिमल में जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में. मैंने हजारों बार आपको बताया है कि प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो हाउ डज अ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे. प्लांट का स्टोमेटा अगर दिन में बंद होता है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी होता है, तो दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं रहे. प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन द नाइट एंड चेंज इट इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. प्लांट क्या करते हैं भाई, वाटर लॉस को रोकने के लिए, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं, तो रात में उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदल देते हैं, और दिन में जब उन्हें सनलाइट मिलती है सो दे यूज दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड. सो आपको दो लाइन में जवाब देना है, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट एंड चेंज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. And that intermediate product is used during the day in the presence of sunlight to make food by the process of photosynthesis. So, देखे, there's a plant pick up carbon dioxide at night and prepare an intermediate product. ये आपको याद रखना है कि उसको उस carbon dioxide क्या करते हैं, वो intermediate product में बदल देते हैं. फिर उसी intermediate product को वो दिन में sunlight जब उनको मिलेगी तो उसका use करके और food बनाते हैं. तो आप अपने इसको language में इसको explain करता है. सॉरी बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही होगी, ध्यान से देखिए. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत आ गया था तो एक नंबर सबको अवार्ड कर दिया, लेकिन हम थोड़ा करेक्ट करके उसको आपको बता रहे हैं. ध्यान से देखिए, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया है तो रिफ्लेक्शन के पास कहाँ से होगा, ये फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, यानी ये ऐसे जाएगा लौट करके. अब पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास करता जाएगा, फोकस से जाएगा. दूसरा, लाइट को अगर हम ऐसे सी से इंसिडेंट कराए हैं तो सी से ही वे वापस चला जाएगा. तो जब ये लौटेगा तो ये दोनों कहीं मिलेगा नहीं, तो पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं. जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा. तो अगर ये ए बी है तो बी का बी डैश कहाँ बना, ये, और ए का ए डैश कहाँ बना, ये. तो आपका जो ए डैश बी डैश है यही आपका क्या बन गया, इमेज बन गया. क्या बन गया, इमेज बन गया.
अब आपसे पूछा गया मेंशन द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस, इस केस में क्या है, तो आपको बताना है कि सबसे पहले बताइए कि पोजीशन क्या है। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन की तो पोजीशन कैसा है बताइए, मिरर के पीछे बना है सर, बिहाइंड द मिरर, कहां बना है, बिहाइंड द मिरर। अच्छा बना कहां है सर, सर फोकस और पोल के बीच में बना है, यानी बिटवीन एफ एंड पी। ओके नेचर कैसा है सर, नेचर इसका ध्यान से देखिए तो लाइट रे अपीयर टू मीट हो रही है इस पॉइंट पर, यानी वर्चुअल होगा, वर्चुअल है प्लस ऑब्जेक्ट आपका सीधा रखा है, इमेज भी आपका सीधा ही बन रहा है, तो हम कहेंगे कि इरेक्ट भी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपसे पूछा गया साइज क्या होगा इसका, तो सर ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है और आपका इमेज इतना छोटा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड इन साइज, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड इन साइज आप इसे बोलेंगे। बोला है स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किधर होगी, पोल से लेकर के इमेज के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और साइन कन्वेंशन कहता है, क्या कहता है कि ध्यान समझना, पोल के राइट साइड की डिस्टेंस आपकी क्या होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या होगी नेगेटिव। तो पोल से राइट साइड अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस आपका क्या होगा भी पॉजिटिव होगा। ओके तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, आगे बढ़ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा इसे जूम कर लिया जाए जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे और हमें भी बताने में काफी आसानी होगी। जैसे चलिए दिया है गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग दिए गए इन सब के रीजन दिया गया है, क्या दिया गया, डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट एंड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर, रेड कलर से क्यों बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्या वेवलेंथ ज्यादा होगी। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आंसर सीधा एक बार में वहां से देखते चलेंगे जिससे आपको यह भी पता चले कि एग्जैक्ट कैसे हमें लिखना है। ओके द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं उन पैसेंजर्स को स्काई जो है एकदम डार्क दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। ओके तीसरा क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन इज विजिबल, जो अगर कोई लाइट कोलाइडल सोल्यूशन से पास कर रहा है तो क्या उसका पाथ विजिबल होगा, आइए आंसर देखते हैं इसका। ओके ध्यान से देखिए, इससे थोड़ा जल्दी होगा आपका, रेड कलर बनाया गया, देखिए बोला गया है सेम चीज, कहां गया भाई, हाँ रेड कलर लाइट लीस्ट स्कैटर होती है, क्या होती है, लीस्ट स्कैटर होती है बाई फॉग और स्मोक, कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, या इसका और छोटा आंसर लिख सकते हैं, रेड कलर लाइट हैज हाई वेवलेंथ दस स्कैटर, दस स्कैटरिंग इज लेस, इसलिए इसका स्कैटरिंग क्या होता है बहुत कम होता है। दूसरा क्या पूछा था, बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पर जो पैसेंजर, बहुत ऊंचाई पर जो पैसेंजर घूम रहे होंगे उनको क्या होगा, स्काई डार्क दिखेगा, जाहिर सी बात स्काई डार्क दिखेगा तो आंसर क्या होना चाहिए, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, सर लैक ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण से स्काई क्या दिखता है, डार्क दिखता है, तो जाहिर सी बात है उस ऊंचाई पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ओके पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो पर्याप्त बड़े होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट जब उससे पास करती तो क्या करता है, ग्लो करने लगता है सॉल्यूशन, तो पाथ हमको नहीं दिखेगा, ट्रू सॉल्यूशन होता तो पाथ हमको दिखता, ठीक है, लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है सस्पेंशन है तो हमें कोई भी पाथ वहां से नहीं दिखेगा, यानी ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है यहाँ पे। ओके बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका था तो बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है, आप लोग को देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल वे में पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो हो जाएगा। स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन हम किस लॉ से पता करते हैं, तो आंसर है फ्लेमिंग लॉ।
रूल, किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं। तो इसमें आपको केवल इतना ही नहीं, क्योंकि भाई देखिए ध्यान समझिए, तीन नंबर का दिया है ये, तो आपको यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये बताना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे, उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि वी एडजस्ट अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट अवर फोर फिंगर, सॉरी अवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ एडजस्ट योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो इस तरीके से बताना पड़ेगा। और आपको सबको फिर से ध्यान से देख लीजिए, आपको ये जो मैं बार बार आपको बताया हूँ आज फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसका आंसर जो अभी अभी मैंने बताया। इसके अलावा पूरा डेफिनेशन बता दिया कि स्ट्रेच करें अपने फोर किसको, थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को, कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, क्लियर इस तरीके से कि फील्ड की डायरेक्शन में कौन हो, फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, तो आप की जो थंब होगी फोर्स की डायरेक्शन शो करेगी। इस आंसर को अगर ध्यान से देखो आप, तो या तो स्टेटमेंट लिखा है या ऑब्लिक दिया है यहां पे, या ये बनाया है। तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लिख करके आंसर और केवल इसका फिगर बना दे रहे हो तो भी ये पूरा पूरा नंबर आपको अवर्ट करेगा, क्लियर। लेकिन कोशिश करिएगा बच्चे कि ये स्टेटमेंट प्लस ये फिगर आप बना सके, बहुत ही लाइन डायग्राम में फिगर बनाइएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। दिया है क्या, गिवन बिलो आर थ्री डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। दिया गया है कि एक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इंटर कर रहा है, क्लियर। चलो सर ठीक है, इंटर करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द केस इन विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम। अब फोर्स कब इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम लगेगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए कुछ नहीं पढ़ते, हम जो भी पढ़ते हैं करंट के फ्लो करने के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि करंट को ध्यान समझिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन करेगा, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन करेगा, करंट करेगा। तो यहां पे करंट की फील्ड से डायरेक्शन कितना है या एंगल कितना बन रहा है, 90। यहां पर समथिंग कुछ थीटा एंगल कुछ भी बन रहा है, लेकिन अदर देन 90 बन रहा है। यहां ये तो पैरेलल है, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। F is equal to IBL sin theta होता है, तो अगर theta की value यहाँ पे मैं 90 रखूँगा, तो sin 91 होगा, तो F is equal to क्या आएगा, IBL आएगा, और यही sin के लिए क्या होती है, maximum value होती है 90 पर। और sin 0 अगर रखते इस केस में, तो sin 0 कितना आता है, 0, तो यहाँ पे force कितना निकल जाएगा, 0, लेकिन यहाँ force क्या निकलेगा, maximum, क्योंकि angle between magnetic field and The direction of current is 90, that's why यहाँ पे जो force मिलेगा वो क्या मिलेगा, maximum, यहाँ पे तो कम ही रहेगा, clear है। तो ये आपका सही होना चाहिए, okay? देख लीजिए answer आपका ये दिया है, force on the electron is maximum in figure 1। पहले ही figure में क्या होगा, maximum होगा, because the direction of the motion of electron or current is right angle perpendicular to the direction of the magnetic field, okay? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। ऊपर कर लिया जाए थोड़ा सा। Draw the magnetic field pattern of magnetic field, क्या दिया है, draw the pattern of magnetic field lines of a circular, a current carrying solenoid। भाई सोलेनाइड का आपको बोला गया क्या बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। ये मैंने सोलेनाइड बना दिया, नॉर्थ ये प्लस और माइनस, ठीक है, कोई सा भी आप नॉर्थ लिख लो, कोई सा भी आप साउथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फेरे पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने क्रिएट किया है। तो नॉर्थ से निकलेगा, याद रखना, सबसे पहले क्या करना, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, जो तरीका बताया गया था एकदम वैसे, क्लियर है। ये ऊपर वाली को लेकर के ऊपर वाली से, नीचे वाली को लेकर ऐसे नीचे वाली से,
ये ऐसे और इसको ऐसे, और बीच में एक सीधी लाइन ऐसे निकाल देना। नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन होती है तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है तो नॉर्थ से साउथ, ये दिखा देना। और जब ये घूम के आएगा अंदर तो किधर होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन, यही आपको बनाना रहेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। अब बार मैग्नेट, बोला बार मैग्नेट के लिए भी बनाओ मैग्नेटिक फील्ड। क्लास टेंथ वालों देख लो, इससे ज्यादा आसान आपके लिए कुछ आता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड आप आसान बहुत होते हो, देख लो क्या क्या आता है। बोला बार मैग्नेट्स पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो, तो नॉर्थ से साउथ ये देखिए, एक छोटा ऊपर तो एक छोटा, इससे बड़ा नीचे, इससे बड़ा ये, यहां से सीधे लाइन खींच दो। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कभी भी इंटरसेक्ट करती हुई ना बनाना। देखो मैं थोड़ा सफाई से बना रहा हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर रहे। ये देखिए, एक मैग्नेटिक लाइन दूसरी मैग्नेटिक लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ऐसे करके एक लाइन इधर, ऐसे ऐसे। बच्चे ध्यान से देखिए, नॉर्थ से साउथ जाएगा तो नॉर्थ से निकला साउथ, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये बाहर जाएगा, ये क्या जाएगा बाहर, और ये कहां आएगा अंदर, साउथ में से घूम के आएगा अंदर, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, बार मैग्नेट के थ्रू क्या बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए दो करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपको, क्लियर। तो क्या होता है, पहला, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल या इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, नंबर एक। दूसरा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तीसरा है, बार मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कैसी होगी, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, किसके फॉर्म में होंगी, क्लोज्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये कहां से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेगी साउथ, इसके डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड मैग्नेट इनसाइड किधर होगी, साउथ से नॉर्थ, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। फिर अगला विनय सर आइए, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाँ, कह रहा है, व्हाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम व्हाइल फॉरेस्ट इज कंसीडर्ड टू नेचुरल इकोसिस्टम। किचन गार्डन को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं और फॉरेस्ट को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? तो पहले तो आर्टिफिशियल नेचुरल में अंतर समझे, जो भी ह्यूमन ने बनाया हो, क्वेश्चन सही था, छूटा है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं उनके बीच का डिफरेंस पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं, हमें डिफरेंस बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेटिक के बीच में, जो अभी तो हमने ऊपर बनाया है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। पहला क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज। भाई सोलेनाइड अगर देखेंगे तो क्या टेंपरेरी मैग्नेट है, यानी बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम बढ़ाया घटा सकते हैं ना, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्लस इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो वही बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ाया घटा जा सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बढ़ा नहीं सकते, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी रिवर्स्ड। क्यों? क्योंकि सोलेनाइड में आपको पता होगा कि अगर हम पोलरिटी चेंज करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि हम नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ, इसको हम नॉर्थ और इसको साउथ बना सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन बदल कर चेंज सकते हैं, जो कॉइल है उस कॉइलिंग को चेंज करके हम बना सकते हैं, इसको नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन हम बार मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट, इसका नाम ही है परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट में हम ये नहीं कर सकते हैं। ओके,
ये क्या है, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये हो गया इनके बीच में डिफरेंस, कोई दो डिफरेंस आपको बोला था, और कोई दो डिफरेंस आप लिख सकते थे। ओके चलिए, हाँ विनय सर अब आइए आप। हम उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसे ह्यूमन ने बनाया, द मैन मेड इकोसिस्टम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे किचन गार्डन, एक्वेरियम, आपने नाम सुना होगा एक्वेरियम, ह्यूमन ने बनाया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आप बताएंगे किचन गार्डन मैन मेड इकोसिस्टम है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। दूसरी बात, ये नॉन सस्टेनेबल है, मतलब इसमें सेल्फ कंटिन्यू होने की क्षमता नहीं है। फॉरेस्ट को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? Maintained by the nature, forest ecosystem is maintained by nature, that's why it is called natural ecosystem. Nature, प्रकृति उसको चला रहा है, प्रकृति उसको maintain कर रहा है, human नहीं। इस वजह से forest ecosystem natural ecosystem है, और ये self sustainable है, इसमें self continued होने की capability है। अब फिर वो question ये कह रहा था, while designing an artificial ecosystem at home, एक artificial ecosystem को घर में design करते समय या घर में design बनाने पर, write any two things to be kept in mind to convert it into self-sustaining system. आप क्या दो बातें अपने मन में या अपने दिमाग में रखकर उस artificial ecosystem को बनाएंगे जो उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाएगा, जो उसको मतलब सेल्फ फंक्शनिंग बनाएगा। तो ठीक है, टेक अ जार विच हैविंग वाटर एंड सप्लाई ऑक्सीजन बाय द पंप। क्या करेंगे आप, एक जार लेंगे, जैसे एक्वेरियम बनाते हैं ना, ग्लास का जार लेते हैं, फिर ग्लास के जार में वाटर भरते हैं, फिर एक पंप के द्वारा ऑक्सीजन उस वाटर में सप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ प्लांट और कुछ एनिमल उसमें रखते हैं। अब क्यों करते हैं ये दोनों रीजन भी आपको देना है, क्योंकि वो पूछ रहा था कि जस्टिफाई करें आपकी, आपने क्यों लिया। तो फिर से क्वेश्चन जो कर रहा था वो ये कह रहा था कि while designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system. अगर आप घर पे कोई artificial ecosystem बना रहे हैं, तो आप किन दो बातों को अपने दिमाग में रखकर उस artificial ecosystem को बनाएंगे? So, हम क्या दो बातें रखेंगे? We take a jar having water and we supply the oxygen by the pump and we keep plant and animal in that jar for the self-functioning or for the self-sustaining system. अब हम ऑक्सीजन क्यों सप्लाई करेंगे, वही वो कह रहा है कि गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए रीजन दें। हमने ऑक्सीजन इसलिए सप्लाई किया क्योंकि ऑक्सीजन इज कॉन्टिन्यूअसली यूज्ड अप, इसलिए आपको लगातार ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ेगा। सो ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड, ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज कर लिया जाएगा, इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई आपको देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी सप्लाई ऑक्सीजन फॉर बाय द पंप। फिर वी एड प्लांट एज अ फूड, क्योंकि वो जो प्लांट हम उसमें उस जार में रखेंगे या मिलाएंगे, तो वो प्लांट एक फूड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। सो देख लेते हैं इसको। हाँ, ये देखिए, इन अ जार कंटेनिंग वाटर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू द पंप एंड फ्यू एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल टू मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग। आप उसमें प्लांट में मिलाएंगे ताकि क्या करेंगे, ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो सके, अपने आप चल सके। अब आपने ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों दी, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार सप्लाई कर लिया, यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन कंटीन्यूअसली यूज्ड अप किया जाएगा। फिर एक्वेटिक प्लांट आपने क्यों मिलाया, एक्वेटिक प्लांट हमने इसलिए मिलाया क्योंकि वो एज अ फूड यूज कर लिया जाएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ फोर ट्रॉफिक लेवल कंप्रीजिंग द फॉलोइंग। आप एक फूड चेन बनाए जिसमें चार ट्रॉफिक लेवल हो, इसी का ऑप्शन दिया हुआ, या तो आप ये करें या तो ये आप करें। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन, एक फूड चेन बनाए जिसमें चार ट्रॉफिक लेवल हो, और वो जो फूड चेन बनाने हैं
इसमें वो ऑप्शन दे रखा है कि आप इनका यूज करके फूड चेन बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, प्लांट पहला ट्रॉफिक लेवल, फिर प्लांट को कौन खाएगा, रैट खाएगा, फिर रैट को कौन ईट करेगा, स्नेक, और स्नेक को कौन, हॉक। तो बन गया जो इसने दिया था वो फूड चेन हमने बना दिया। अब वो दूसरा क्वेश्चन, पहला आपका आंसर कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20,000 joule ऑफ एनर्जी वॉज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। समझने वाली बात है, ये आपका पहला ट्रॉफिक लेवल, ये रैट आपका दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये स्नेक आपका तीसरा ट्रॉफिक लेवल, और ये हॉक या ईगल आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20,000 जूल एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है कहां से, प्रोड्यूसर से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, मतलब प्लांट से रैट के पास पहुंच रही है कितनी, पहले ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि पहले ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर रखा जाता है, यहां से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फिर सेकेंड से थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड से हॉक जो है वो क्या है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी, 20,000 जूल एनर्जी आ रहा है, 20,000 जूल एनर्जी इसके पास मतलब आई, जितनी एनर्जी इसके पास आएगी उसका 90% ये खुद यूज करेगा, 10% एनर्जी ये आगे ट्रांसफर करेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। 20,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर की जा रही है। अब वो सवाल पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। कितनी एनर्जी थर्ड ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर की जाएगी, मतलब कितना ये ट्रांसफर करेगा। तो आओ देख लेते हैं, 20,000 जूल एनर्जी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के पास पहुंची, अब जितनी एनर्जी आई इसको ये दो भाग में, 90% इस 20,000 जूल का 90% ये खुद यूज करेगा और 10% ये ट्रांसफर करेगा किसके पास, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। तो 20,000 जूल का 10% कितना आएगा, निकालेंगे आप तो 2,000 जूल आएगा, मतलब 2,000 जूल एनर्जी थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आया। लेकिन पूछ रहा है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल से चौथे ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी, तो 10% एनर्जी फिर आगे ट्रांसफर होगी, क्योंकि हर आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो जितनी एनर्जी इसके पास आई उसका 10% ये आगे ट्रांसफर होगा। तो 2000 जूल का 10% मतलब कितना, 200 जूल, कितना 200 जूल, 200 जूल एनर्जी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएगा। सो देख लेते हैं हम लोग ये वो क्वेश्चन का पहला पार्ट जो उसने फूड चेन बनाने के लिए दिया था, तो मैंने बना दिया। एनर्जी अवेलेबल एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आपको दे रखा है 2000 जूल, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल ये 20,000 जूल था जो कि सेकेंड ट्रॉफिक अवेलेबल था, फिर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल कितना, 2000 जूल, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कितना आएगा, 200 जूल आएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालना है। आपको निकालना बहुत आसान है, जितनी एनर्जी इसके पास आई है यहां से 20,000 जूल एनर्जी इसके पास पहुंची, अब जितनी एनर्जी इसके पास आई 10% उसका स्नेक के पास आएगा, जितनी एनर्जी इसके पास आएगी उसका 10% फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में मतलब हॉक के पास पहुंचेगा। तो 20,000 जूल का अगर आप इसके पास पहुंचा, ये 20,000 जूल क्वेश्चन में दे रहा है कि 20,000 जूल इसके पास आया, तो 20,000 जूल का 10% आप निकालेंगे तो ये निकलेगा कितना जाएगा, 2000 जूल आ जाएगा, 2000 जूल इसके पास कितना पहुंचा, 2000 जूल। अब 2000 जूल का 10% आगे जाएगा तो 2000 जूल का 10% आप निकालें, 200 जूल एनर्जी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में पहुंचा, कितना पहुंचा ये देखिए आंसर दे रखा है, 200 जूल एनर्जी किसके पास पहुंचा, हॉक के पास पहुंचा, करेक्ट आंसर आपको मिल गया। आगे की तरफ बढ़ते हम,
ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए याद रखें। ओके, आइए देखते हैं। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड ए बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग ए विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसको क्या कह रहा है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं आप। किसके साथ? H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं। कितने पे? 443 केल्विन पे, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट, 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस आप कह लें। कह रहा है कि एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो वो क्या बना रहा है? फॉर्म एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बी। क्या बना दिया? बी। अब आपके दिमाग में ये नॉक करना चाहिए कि एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का ये मेंबर है, और याद करो किस एल्कोहल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, तो भैया एथेनॉल था। क्या था? C2H5OH था। आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनता है? इथीन बनता है। एक मिनट बच्चों, तो ये हुआ ए और ये हुआ बी। वॉइस प्रॉब्लम कैसी आ रही? हेलो, एक सेकंड, वॉइस प्रॉब्लम आ रही। हेलो, वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी, एक सेकंड बस। हेलो, एकदम पास में रखे थोड़ा सा। हेलो, नहीं है थोड़ा। हेलो बच्चे, जल्दी से क्लियर करें सब लोग प्लीज़, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा दूर रखें। चलिए, तो ए क्या था? ए एथेनॉल था, बी एथीन हो गया। दो आपको जवाब मिल गया कि ए एथेनॉल है, बी एथीन है। अब वो आगे क्वेश्चन कर रहा है, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल चेंज टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी। मतलब एक बदला किसमें? बी में। फिर वो कह रहा है कि बी को निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन, मतलब निकिल एज अ कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं और एक मोल हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो आप याद करें क्या हुआ था साहब, जो इथीन था आप उसमें हाइड्रोजन गैस पास करें क्योंकि बी जो बना, क्वेश्चन में जाइए वहीं बता दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन जाइए। हाँ, ये इथीन बना था, बी क्या था? इथीन। तो आइए देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें क्या रहा है, कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हैं, कैटलिस्ट वो दे रहा है कि निकिल के प्रेजेंस में क्या दे रहा है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन बन गया। सो सी जो कंपाउंड बनेगा वो इथेन बनेगा। ये हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। सो तीनों, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी भी पता चल गया। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी, तो यहीं पे मैंने लिखा था ए को बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, तो ये देखें बन गया क्या, एथीन बन गया। सो रिएक्शन भी मैंने लिख रखा था, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि लिख रखा था, नहीं लिखेंगे बार बार। What happened when compound C undergo combustion? अगर compound C, मतलब ये जो
इथेन है, ये अगर कंबशन करेंगे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं इसका जवाब मैं लिख रहा हूं, व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी, और कंपाउंड सी क्या है, इथेन है, तो C2H6 मैं एक साथ लिख रहा C2H6 को अगर आप जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या देगा, ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट देगा, क्या देगा, हीट देगा, दिस इज द रिएक्शन। आप इसको बता देंगे वर्ड में भी लिख सकते हैं कि अगर हम इथेन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और हीट देगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। हाइड्रोजनेशन का एक इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, हाइड्रोजनेशन की मदद से या हाइड्रोजनेशन के द्वारा हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको एक लाइन लिखना है, By the hydrogenation, vegetable oil is converted into vegetable ghee. Name the product formed when compound A react with, किसके साथ react करेगा, ये react करेगा, name the product formed by compound A react with sodium. तो compound A क्या था हमारा, ethanol था, ये निकाला था हमने C2H5OH किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, ये सोडियम एथॉक्साइड नाम है इसका, प्लस हाइड्रोजन, क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये देखें आप, ये आंसर सारा जो भी मैंने बताया सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है, एथेनॉल, ए एथेनॉल था, बी एथीन था, सी इथेन था, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया था कि केमिकल रिएक्शन लिखना है कि कैसे इथीन बनता है, तो ये एथेनॉल को आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बन जाएगा क्या, इथीन बन जाएगा। फिर अगर आप जो कंपाउंड सी बना था उसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलेगा, तो इसने वर्ड में लिखा, ये रिएक्शन देखो लिख रहा है C2H6 ऑक्सीजन, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकला। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन का पूछा था, हाइड्रोजनेशन का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताया, तो ये देखिए कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल इनटू फैट, करेक्ट था एकदम, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, वो जो मैंने आपको बता दिया। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन द डर्ट। अगर सोप को ऑयल पे अप्लाई करें तो क्या फॉर्म, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो बहुत कई बार मैंने बता रखा है कि कुछ नहीं करना है, इस तरह ऑयल बना देना है और उसके बाद इस तरह आप ये सबसे सिंपल डायग्राम इस तरह आप दिखा दें। ये क्या है, सोडियम प्लस Na प्लस, यहां आप लिख दीजिए Na प्लस, ये क्या है, आयनिक ग्रुप ऑफ सोप मॉलिक्यूल, आयनिक ग्रुप है जो कि कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सोप, हाइड्रोफोबिक, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये सोप मॉलिक्यूल, ये ऑयल मॉलिक्यूल है, एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल, यही बन गया आपका मिसेल्स, यही सिंपल सा डायग्राम आपको दिखाना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर पूछा था सोप मॉलिक्यूल का, डायग्राम से बना दिया वो डायग्राम, टेक टू टेस्ट ट्यूब, एक सेकंड, टेक टू टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब ले ले एक्स और वाई विथ 10 ml ऑफ हार्ड वाटर, दो टेस्ट ट्यूब लें और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, हार्ड वाटर एड करना है, तो करना क्या है, इन टेस्ट ट्यूब एक्स Add few drop of soap solution and in test tube B, in test tube Y, add few drop of detergent. दो test tube लेना है, एक test tube X, एक test tube Y. दोनों test tube में hard water लेना है. फिर कह रहा है कि एक test tube में जो X है इसमें आप क्या डाल दें? मान लेते हैं हमने ये एक ले लिया, यहीं पे बता देता हूं आपको,
टाइम नहीं लगेगा, ये हमारा एक्स टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा वाई टेस्ट ट्यूब है, दोनों में हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर दोनों में, लेकिन इसमें मैंने क्या डाला, सोप मॉलिक्यूल डाल दिया और इसमें मैंने क्या डाला, डिटर्जेंट डाल दिया, दोनों में हार्ड वाटर है। फिर अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर, किस टेस्ट ट्यूब में फोम का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो टेस्ट ट्यूब वाई में फोम का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट इज मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर देन द सोप मॉलिक्यूल, तो पहले का जवाब मिल गया क्या, वाई। फिर इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म, किस टेस्ट ट्यूब में एक कर्डी का मतलब सॉलिड प्रेसिपिटेट किस में बनेगा, तो टेस्ट ट्यूब एक्स में, इसका जवाब होगा टेस्ट ट्यूब एक्स में, इन टेस्ट ट्यूब एक्स कर्डी सॉलिड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बिकॉज सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो जो सोप मॉलिक्यूल है ना, हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देगा और उसी को कहेंगे स्कम या कर्डी, तो एक्स में बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारा देखिए मैंने जो आपको बताया सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि टाइम नहीं है तो इस वजह से हम बार बार पढ़ने रहे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, तो सेपल और पेटल, क्या है सेपल, ये दोनों ऐसे पार्ट हैं फ्लावर के जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो सेपल एंड पेटल, सेपल को कैलिक्स भी कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है, और पेटल को कोरोला भी कहते हैं, ये भी आपको बात याद रखना है। ये देखिए ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये सेपल कैलिक्स पेटल कोरोला। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा टाइम, आगे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, लिस्ट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना है, फिर इसके बाद पॉलिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपसे पूछा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस बहुत सिंपल है, पॉलन ग्रेन का एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा को ट्रांसफर होना सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, या एक ही प्लांट में एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को ट्रांसफर होना सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इंग्लिश में कैसे बताएंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट में पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को ट्रांसफर हो जाए तब भी सेल्फ पॉलिनेशन, या एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन एंथर स्टिग्मा ट्रांसफर हो जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा को ट्रांसफर होना इन सेम स्पीसीज, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब सीधी बात बताऊं बहुत छोटे वर्ड में, अगर पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर को ट्रांसफर हो जाए इन सेम स्पीसीज तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखें डिफरेंस लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, सो दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। बट आपको अपनी लैंग्वेज में समझना है, याद क्या रखना है, अगर पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा को ट्रांसफर हो जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, या एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अगर पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर को ट्रांसफर हो जाए लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, अच्छा पॉलिनेशन जरूरी क्यों है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है,
पॉलिनेशन की वजह से सीड का फॉर्मेशन होगा, पॉलिनेशन की वजह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन की वजह से जेनेटिकल वेरिएशन भी आता है, इस वजह से भी पॉलिनेशन जरूरी है। सो क्वेश्चन आपका यह था कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया। लिस्ट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के दो इंपॉर्टेंस बताएं, तो कोई भी दो इंपॉर्टेंस बता दे। बाय पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन अगर, बाय पॉलिनेशन सीड एंड फ्रूट्स आर फॉर्म, बाय पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। ये दो बातें हो गई। अब कह रहा है व्हाट इज द फिट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी और ओव्यूल किस में बदलते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बदल जाता है सीड में और ओवरी बदल जाता है फ्रूट में। इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो विशाल सर बताएंगे इसको। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। हाँ ठीक, लास्ट देखिए ध्यान से। दिया है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्ड एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वॉट। तो क्या बोला गया, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बता रहा हूं आपको। क्या बोला गया, व्हेन हीटिंग जो है वो आपकी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम रेट पर हो रही है हीटिंग। तो पावर क्या दिया है मैक्सिमम रेट पर, 880 वॉट। क्या दिया है, 880 वॉट। और 330 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। चलो अच्छा, हीटिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये कब हो रही है, मिनिमम। मैं इसे सिंबल के रूप में लिख रहा हूँ बस। ये कब है, जब पावर क्या है, ये है 330 वॉट है आपका। ओके दिया क्या, इफ द सेम सोर्स वोल्टेज इज 220, यानी दोनों पर वोल्टेज कितना रखा गया है अप्लायंस का, वो 220 वोल्ट रखा गया यहाँ भी, और मिनिमम जब है तब भी कितना, 220 वोल्ट रखा गया। बोला कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है P बराबर कितना होता है, V इंटू I। तो बोला गया I कितना होगा सर, तो सर I आपका होगा P अपॉन में V। सिंपल सा, 880 अपॉन में 220 4, I कितना आ गया आपका, 4 एम्पियर आंसर। अगर आपसे पूछा जाए R कितना होगा, तो सर R इज इक्वल टू होता है V बाई I। करंट निकाल लिया तो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। तो V कितना निकला है आपका, V है आपका 220, और करंट कितना भी निकाला आपने, 4 निकाला। कितना, 4 निकाला। तो जितना ये आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ओम हो जाएगा। ओके डिवाइड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 20, दो बचेगा, 4 5 20 55 ओम, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कब, जब हीटिंग मैक्सिमम हो रही है। मिनिमम के लिए क्या होगा साहब, सेम करंट पी अपॉन में वी निकालिए, 330 अपॉन में 220 कट गया, ये आ जाएगा 3/2, कितना आएगा 1.5 आपका एम्पियर आ जाएगा करंट। इसी तरीके से अगर R निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या है, V अपॉन में I। V कितना है, 220 अपॉन में I की वैल्यू कितनी, ये 3/2 वाली वैल्यू रखो, 3/2, 2 कहाँ गया, ऊपर, ये कितना हो जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करिए, 3 बन जा 3, और 3 4 जा 12, दो बचेगा, 3 6 जा 18, फिर आ जाएगा 6 7 ऐसे करके, इतना क्या आ जाएगा ओम, 3 बन जा 3, 4, 12, हाँ सही है। ओके ये इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं था। दूसरा क्या था, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि करंट के कारण से हीट प्रोड्यूस होना ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, द कंडक्टर गेट्स हीटेड, यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसी को हम बोलते हैं। फिर बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन
अ करंट पास थ्रू अ रजिस्टर फॉर द सेम टाइम। अच्छा ठीक है, बोला गया कि क्या करिए, एक एक्सप्रेशन डेवलप करिए। तो एक्सप्रेशन आपका कौन कौन सा है याद आया आपको, एक है आई स्क्वायर आर टी, क्या है आई स्क्वायर आर टी, एक क्या था वी आई टी, एक कितना था वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये सारे एक्सप्रेशन है आपके। तो इसमें बोला है कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें रजिस्टर दिया हो, टाइम दिया हो, और वेन करंट बोला है, करंट पास करे, यानी आई को लेकर के, आर को लेकर के और टी को लेकर के आपको बोला था एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो हमें कौन सा लिखना था, आई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक्सप्रेशन आपको लिख देना था। अगर इसे डेरिवेट करने के लिए बोलता तो भी बहुत कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू कितना होता है w अपॉन में q, याद आया v इंटू q इज इक्वल टू w, जितना वर्क डन होता है उतना ही हीट क्या होगा वो जनरेट करेगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q की जगह लिख सकते हैं आई टी, v की जगह क्या लिख सकते हैं i इंटू r, और ये आई टी तो है ही है, एच के इक्वल टू आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच, यही को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि हो गया। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में बचा है, तो पहले मैं फिजिक्स वाला कर दे रहा हूँ, उसके बाद विनय सर आपको आगे अटेम्प्ट कराएंगे, ठीक है। ये 39 क्वेश्चन फिजिक्स का है, इसको देख लीजिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है विनय सर आपको इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। देखिए लास्ट इसमें देखिए दिया क्या है, दिया है होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड, अपने हाथ में कॉनकेव मिरर लीजिए एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसकी तरफ कर दें, सन की तरफ कर दें, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ वाइट कार्डबोर्ड, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आएगा किस पर, वाइट कार्डबोर्ड पर आ रहा है क्लोज टू द मिरर, जो कि मिरर के पास में है, मूव द कार्डबोर्ड बैक, उस कार्डबोर्ड को पीछे लेकर के आओ, क्या लेकर पीछे लेकर के आओ, एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड द ब्राइट, यानी उसको आगे पीछे लेकर के आओ जब तक उस कार्ड पर जो लाइट पड़ रही हो वो क्या ना हो जाए, एकदम ब्राइट ना हो जाए, सही बात है। जाहिर सी बात है अगर ये सन है और ये सन से लाइट आ रही है इस पर, क्या रही है, सन से लाइट बहुत दूर से आएगी, तो ब्राइट कहाँ पे होगी, जहां पे लाइट रेस सब इकट्ठा होती हुई होंगी, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो आपका फोकस होगा, इसका मतलब जिस पॉइंट पर लाइट एकदम ब्राइट हो रही है वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, फोकस होगा, ओके, वहीं पे ब्राइट होगा, ब्राइटेस्ट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द बोर्ड, दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन, वो क्या होगा, सन का इमेज, जाहिर सी बात है लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे मिलेंगे वही क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा ना, ओके पेपर विच इज ऑल्सो टर्म्स एट प्रिंसिपल फोकस, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये पूरा स्टेटमेंट है हमको समझाया गया एक्सपेरिमेंट से जो कि हम लोगों ने देख भी लिया। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लीजिए जल्दी से और आपका आंसर जल्दी जल्दी दे दिया जाए। देखिए क्या दिया है, लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन, शेविंग मिरर, कहां, एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते फिर एक बार आंसर देख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। शेविंग मिरर हो गया, आगे की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, क्लियर है, तो हर जगह हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, कहां से, मिरर और प्रिंसिपल फोकस यानी P और F के बीच की डिस्टेंस जिसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, ये कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R इज इक्वल टू कितना होता है 2F होता है, कितना होता है 2F, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 15, कितना जाएगा 30 आ जाएगा, याद रखना गलती यहीं पे हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस लेफ्ट में ली जा रही है, आर इसका लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो बच्चे यहाँ पे माइनस 15 लेना पड़ेगा और ये माइनस आपका आना चाहिए माइनस 30 सेंटीमीटर आर लिखेंगे, माइनस अगर नहीं लगाओगे तो आधा नंबर आपका चला जाएगा। बोला गया कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर पर अगर फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ये कॉनकेव मिरर है, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट को आप रखिए, कहां पर साहब, फोकस और पोल के बीच में रखिए, और इसका इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम आप बना के दिखाइए। तो ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से, फोकस से पास करेगा, एरो दिखाना जरूरी है बेटे। उसके बाद क्या किए, एंगल पर ले आए, प्रिंसिपल फोकस पर ले आए, सॉरी पोल पर ले आए, कहां पे, पोल पर इंसिडेंट किए, जितने एंगल से आया उतने एंगल से चला गया। इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो मिलेगा तो है नहीं यहां पे, तो पीछे बढ़ाएंगे, कहां बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, जिस पॉइंट पर ये मिलता हुआ अपीयर होगा उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज। तो अगर ये ए और बी है तो ए का ए डैश कितना बना, ये बना, और बी का बी डैश ये बना। तो यहां पर इमेज की पोजीशन जो है वो कैसी है आपको बताना होता है, पोजीशन, फिर आपको बताना होता है नेचर ऑफ इमेज, फिर आपको बताना होता है साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज किधर है भाई, बिहाइंड द मिरर, द मिरर, क्लियर है, मिरर के पीछे बनी है। नेचर कैसा है सर, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट ए भी सीधा रखा था, वैसे ये भी लिख रहा है कि बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, लाइट रे अपीयर टू मीट है यहाँ पे, एक्चुअल में नहीं, अपीयर टू मीट हो रही है, तो वर्चुअल इमेज बनना था। साइज कैसा है सर, साइज तो बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन लार्ज या मैग्नीफाइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और करके देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इतना करता नहीं हूं, मैं आपको सीधा सीधा दिखा दे रहा हूं कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि बेटे बहुत ज्यादा समय हो गया। देखिए, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर साइज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, इफ इट्स इमेज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। क्या बोला गया, 10 सेंटीमीटर इन साइज, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइज कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, ओके, इफ इट्स इमेज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। तो अभी अभी मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया है, उसमें थोड़ा सा एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है। तो बोला क्या, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा है उतनी ही दूरी पर उसका इमेज भी बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब इसका वी भी कितना है, -100 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ निकालिए। तो मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, 1/v कितना है, दोनों ही 100 है, तो -100 प्लस 1/-100। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से बता दूं, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट एट सी पर है, तो पी से सी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, यानी आर भी आपका कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, तो फोकल लेंथ जो होगा वो आर का आधा होता है, तो ये -100/2 कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मिरर फॉर्मूला से भी इसको कर दीजिए, -2/100 = 1/f, तो f इक्वल टू आपका आ जाएगा -100/2, f इक्वल टू आ गया आपका -50 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आती है तो आप ऐसे इसको लिख करके बता सकते हैं, दैट इज वेरी ट्रू, एकदम गलत नहीं है ये, ओके। फिर क्या बोला, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विथ साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन निकालो साहब, मैग्निफिकेशन कितना होता है, -v/u होता है, तो -v की वैल्यू कितना, -100
माइनस वाली वैल्यू अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो गलती नहीं होती है, माइनस 100 ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा आपका, यानी माइनस ही आएगा, तो एम इक्वल टू क्या आया, माइनस 1 आया। और जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो आपका इमेज रियल बनेगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके थैंक यू, ठीक है आइए जल्दी से खत्म करते हैं। कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, कैसा होगा, ब्लैक कलर का, ये रिएक्शन आपको लिख दिया। फिर दूसरा पूछा है व्हाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कुछ मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह क्यों कैटेगराइज किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों नेचर शो करते हैं, बोथ दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, इस वजह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह कैटेगराइज किए जाते हैं। गिव वन एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल दें, तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या जिंक ऑक्साइड ZnO Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंप्लीट करें, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, यह आपको पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा, NaAlO2, क्या देगा, NaAl, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट देगा, क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा। आप ये देख लो यहां पे आंसर, ये देखें क्वेश्चन नंबर 37, ठीक ये पहला जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इस वजह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल पूछा था तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड याद रखना है आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम ऑक्साइड को वाटर रिएक्शन करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को मैंने कहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करोगे तो ये NaAlO2 बना दिया, क्या बना दिया, NaAlO2, इसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, और वाटर बना दिया। अब अगला क्वेश्चन इसी में सीख कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसी में, ठीक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, अगर सल्फर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक कलरलेस गैस बनता है। अब वो कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, सल्फर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, पहला इक्वेशन कंप्लीट, मैंने बोला सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन जलाएंगे तो क्या करेंगे, हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, नेम द गैस, तो क्या नाम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नाम है इसका, देखिए कितना इजी, सल्फर डाइऑक्साइड नाम है इसका। स्टेट द नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा होगा,
भैया एसिडिक नेचर होता है, मैंने कहा था ना जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करने पे एसिड बना देंगे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो पहला ये रिएक्शन नाम क्या था, सल्फ्यूरिक, सल्फर डाइऑक्साइड नाम था। फिर नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। व्हाट विल बी द रिएक्शन, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, नो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि है तो एसिडिक नेचर, बट एन एसिड कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टी when it give its H plus ion, क्योंकि कोई एसिड अपने HD प्रॉपर्टी को तभी दिखा सकता है जब वो वाटर में मिला हुआ हो, और ये ड्राई लिटमस लिया है। क्या लिया है, ड्राई लिटमस। सल्फर डाइऑक्साइड के पास अभी फिलहाल हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर ये गीला वेट लिटमस लिया होता तो उसमें वाटर होता और ट्विन रिएक्शन करके क्या बना देता, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता और ये आयनाइज होकर H प्लस देता, और जब H प्लस देता तो एसिडिक प्रॉपर्टी लिटमस के कलर को बदल देता। सो याद रखना है नो चेंज, क्योंकि वाटर के एब्सेंस में कोई भी एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। 38 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये, और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 39 पहले सॉल्व किया। इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मेंडल क्रॉस, कहां चला गया है, हाँ, मेंडल क्रॉस पी प्लांट हैविंग वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, व्हेन ही क्रॉस पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ही ऑब्जर्व दैट नो प्लांट with wrinkled and green seed were obtained in effungenation. Okay, when the effungenation pea plant were crossed breed by self pollination, the F2 generation had seed with different combination of shape and color also. ठीक है, वो अपना एक केस स्टडी दे रखा है। क्वेश्चन जो पूछा आप वो देखते हैं, राइट एनी टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। मतलब मेंडल ने क्वेश्चन में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दे रखा है उसको छोड़कर कोई दो एग्जांपल आप दे दे जो मेंडल ने लिया था। तो मेंडल ने क्या लिया था, मेंडल ने मतलब इसमें जो मेंडल ने ट्रेट्स या कैरेक्टर यूज किया है उसको छोड़कर कोई दो एग्जांपल दे, जैसे टॉल और ड्वार्फ, ये भी मेंडल कैरेक्टर यूज किया था, और क्या, व्हाइट पर्पल, ये भी मेंडल ने यूज किया था कैरेक्टर किया था। सो आपको ये दो बता देना है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, पहले का ये कंप्लीट, आप कोई भी एग्जांपल दे ले, जैसे मेंडल ने टॉलनेस और ड्वार्फनेस ये भी करेक्टर यूज किया था इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाइट और पर्पल ये भी करेक्टर उन्होंने, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इन ट्रेट्स को यूज एक्सप्लेन करने के लिए। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डोमिनेंट ट्रेट्स को एक लाइन में बताना है या डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन पूछे तो भी सेम आंसर देना है। ऐसा ट्रेट, द ट्रेट और करेक्टर विच कैन शो देयर या विच इज एक्सप्रेस्ड इन द एबसेंस ऑफ एनदर आइडेंटिकल जीन, ऐसा करेक्टर जो अकेले रहने पर, मतलब जिसका जीन अकेले रहने पर करेक्टर शो कर दे उसको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। एक लाइन डिफाइन करेंगे, द ट्रेट विच कैन बी या विच शो देयर करेक्टर इन द एबसेंस ऑफ एनदर आइडेंटिकल जीन, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट। और ऐसा ट्रेट जो अपने करेक्टर को तभी दिखा पाए जब कॉपी में हो, पेयर में हो, या उसका दूसरा अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट हो। द ट्रेट विच कैन शो देयर करेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, ऐसा करेक्टर जो अपने को एक्सप्रेस कर पाए तभी जब उसका दूसरा आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो, मतलब उसकी दोनों कॉपियां प्रेजेंट हो, ऐसे जीन को रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। फिर से डोमिनेंट ट्रेट एक लाइन बताना है, द ट्रेट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, ऐसा ट्रेट या ऐसा करेक्टर जो तब भी एक्सप्रेस हो जाए जब दूसरा आइडेंटिकल जीन एब्सेंस हो, और रिसेसिव ट्रेट ऐसा ट्रेट जो एक्सप्रेस किया जाए दूसरे आइडेंटिकल जीन के प्रेजेंस में ही। बच्चे ट्रेट हम किसी भी करेक्टर को बोलते हैं, किसी भी करेक्टर, जैसे मैंने कहा टॉलनेस, दिस इज द ट्रेट,
बट ये जीन नहीं है, टॉलनेस कोई जीन थोड़ी ना है, जैसे ड्वार्फनेस ये ट्रेट है बट ये जीन नहीं है। लेकिन अगर आपसे डोमिनेंट जीन, लगभग ये दोनों डेफिनेशन एक जैसे हैं, डोमिनेंट ट्रेट पूछे तो आप ट्रेट वर्ड यूज करके बताना है कि द ट्रेट या द करेक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे एक्सप्रेस किया जा सके, द ट्रेट और करेक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, ऐसा करेक्टर जिसे तब भी एक्सप्रेस किया जा सके जब दूसरा आइडेंटिकल जीन एब्सेंट हो, और ऐसा करेक्टर या ऐसा ट्रेट जो तभी एक्सप्रेस हो जब उसका जीन कॉपी में हो या उसका दूसरा आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो। तो आपको क्या बताना है, द ट्रेट और करेक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, सच टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, एंड द ट्रेट which can be expressed only in the presence of another identical gene, that is called recessive traits. So, आगे बढ़ते हैं। State the ratio of combination observed in the seed of F2 generation in the above case. अच्छा, ये जो केस दिया हुआ था तो इसने डाई हाइब्रिड केस यूज किया था, अब वो पूछ रहा है कि ये जो केस इसने दिया हुआ डाई हाइब्रिड केस यूज किया है, तो डाई हाइब्रिड के F2 जनरेशन में जो रेशियो है जीन का वो क्या है, 9:3:1, मतलब उसने ये साफ साफ ये दे रखा है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने दिया हुआ है। याद करें आप, रिंकल्ड ग्रीन सीड, राउंड येलो, रिंकल्ड, और ये देखिए कहां गया, राउंड और रिंकल्ड एक कंट्रास्टिंग करेक्टर हुआ, येलो और ग्रीन ये दूसरा पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गया, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जेनरेशन में जो रेशियो है जीनोटाइप वो क्या है, 9:3:3:1। और लास्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाँ, जो और करके दिया हुआ है, कह रहा है कि या तो आप वो करें या तो आप करें, गिवन बिलो इज अ क्रॉस बिटवीन प्योर वायलेट लिया हुआ है, तो आप लिख दें सर प्योर वायलेट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, तो लिख दें प्योर वायलेट, और क्या कह रहा है, क्रॉस कर रहा है प्योर वाइट के साथ, एक क्रॉस लिया जिसमें एक प्योर वायलेट प्लांट को प्योर वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कर रहा है, तो प्योर वाइट, अगर प्योर वायलेट है तो इसका जीनोटाइप कैपिटल वी, ये प्योर वाइट है तो जीनोटाइप स्मॉल वी, क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा कैपिटल वी स्मॉल वी, सारे प्लांट, ये F1 जनरेशन में सारे प्लांट वायलेट फ्लावर देंगे, क्या देंगे, वायलेट फ्लावर देंगे। F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में तो आप दो F1 प्रोजेनी को ले ले, उनके बीच क्रॉस करें, F2 जनरेशन मिल जाएगा, तो दो F1 प्रोजेनी मैंने ले लिया, कैपिटल वी स्मॉल वी, इन दोनों के बीच क्रॉस करते हैं तो क्या करना है, देखिए एक को पकड़िए, पहले इसके साथ करें फिर इसके साथ करें, तो आइए कर लेते हैं, कलर चेंज कर लूं, इसको पकड़ा पहले इसके साथ कराया कैपिटल वी, फिर इसी को पकड़ा दूसरे के साथ कराया कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर इसको पकड़ा इसके साथ कराया कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर इसी को पकड़ा इसके साथ कराया स्मॉल वी, तो क्या दिख रहा है यहां पे, ये तीन प्लांट वायलेट फ्लावर देंगे, और ये जो एक प्लांट है ये वाइट देगा, ये प्योर वायलेट, ये हाइब्रिड वायलेट, और ये प्योर वाइट। अब यहां से इंटरप्रिटेशन क्या निकला है,
रेशियो की बात करेंगे, अगर आप यहां पे फीनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे, फीनोटिपिक तो 3:1 है, और अगर जीनोटिपिक रेशियो आप देखेंगे तो 1:2:1। एक प्लांट ऐसा जिसके जीन की बनावट कैपिटल वी, दो प्लांट ऐसा जिसके जीन की बनावट कैपिटल वी स्मॉल वी, और एक प्लांट ऐसा जिसके जीन की बनावट स्मॉल वी। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है, और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1। लास्ट में इंटरप्रिटेशन क्या निकला, एक वर्ड बताना है, यहां से इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है कि ऑल द करेक्टर्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, सारे करेक्टर स्वतंत्र रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की क्षमता रखते हैं। सो इंटरप्रिटेशन आपको यही बताना है कि ऑल द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, हर करेक्टर स्वतंत्र रूप से जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी अच्छी तैयारी से आए और तरीके से करें, जिससे कि कम से कम टाइम में हम आपको ये अवेलेबल करा दें, जो कि आज 2 घंटे 2.25 घंटे एक लगभग चला गया, बट कोशिश करेंगे कि हम इसको 45 मिनट्स तक लेकर के आए और हम लोग ला देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगी या वीडियो जब भी आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी बेहतर जाएंगी, वीडियो क्वालिटी और सारी चीज़ों पर हम वर्क करेंगे, वॉइस क्वालिटी जो भी आज प्रॉब्लम थी उसको भी देखा जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं हमारी नहीं, आपकी मेहनत होनी चाहिए। तो बस इतने पे ही हम लोग आज एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू वेरी मच।